Hey, welcome to this video. This is the fifth night, that is the last part of this book, The Courage to be Disliked. मैं आशा करता हूँ आपने इसके पहले सभी पार्ट्स को enjoy किया होगा. अगर अभी तक नहीं सुना है तो description पर लिंक है, जाके सुनो. Now let's come to the text. The fifth night. The concept of this fifth night is to live in the honest, in the here and now. ये युवा था जो एडलेरियन साइकोलॉजी के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में गहरा इंक्वायरी कर रहा था. रिलेशनशिप का फाइनल गोल है कम्युनिटी फीलिंग, लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या इसके अलावा कुछ और नहीं है जो मैं इस दुनिया में अचीव करने के लिए आया हूँ? ज़िंदगी का असली मतलब क्या है? मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ? जितना ये युवा सोचता था उतना ही उसको लगता था कि उसका अपना एग्जिस्टेंस बहुत छोटा और इनसिग्निफिकेंट था. फिफ्थ नाइट का फर्स्ट पॉइंट, एक्सेसिव सेल्फ कॉन्शियसनेस स्टिफल्स द सेल्फ. दार्शनिक बोलते हैं बहुत टाइम हो गया है ना. युवा बोलते हैं हाँ, मैंने आखिरी बार एक महीने पहले आया था, तब से मैं कम्युनिटी फीलिंग का मतलब सोच रहा था. दार्शनिक बोलते हैं तो अब आपको कैसा लगता है? युवा बोलते हैं देखिए, कम्युनिटी फीलिंग ज़रूर एक अट्रैक्टिव आइडिया है, जैसे कि बिलोंगिंग का सेंस कि यहाँ रहना ठीक है, जो हमारा एक फंडामेंटल डिज़ायर है. मुझे लगता है ये हमारी सोशल क्रिएचर्स की एग्जिस्टेंस का एक ब्रिलियंट इंसाइट है. दार्शनिक बोलते हैं ब्रिलियंट इंसाइट, लेकिन दार्शनिक कुछ बोलने का प्रयास करता है लेकिन युवा उन्हें टोक कर बोलते हैं फनी, आपने तुरंत पकड़ लिया. सही कहा, मुझे अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं. मैं सीधे बोलता हूँ, मुझे समझ नहीं आता आप यूनिवर्स और सब कुछ की बात क्यों करते हैं और ये सब रिलीजन से भरा हुआ लगता है शुरू से आखिर तक. इसमें एक तरह का कल्टिस क्वालिटी है जो मुझे पसंद नहीं आता. दासनी बोलते हैं जब एडलर ने कम्युनिटी फीलिंग का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था तो उसका भी बहुत ऑपोजिशन हुआ था. इस तरह से लोगों ने कहा कि साइकोलॉजी एक साइंस होनी चाहिए और यहाँ एडलर वर्थ की बात कर रहा है और उन्होंने कहा इस तरह की चीज़ साइंस नहीं है. युवा बोलते हैं तो मैंने अपने तरीके से सोचा कि मुझे आपकी बात क्यों नहीं समझ आती और मुझे लगता है कि चीज़ों का ऑर्डर ही शायद प्रॉब्लम है. आप यूनिवर्स और बेजान चीज़ों से शुरू करते हैं और पास्ट और फ्यूचर सब कुछ से, तो मैं ट्रैक खो देता हूँ. बजाय इसके एक को आई का फार्म ग्रैस्प लेना चाहिए, फिर वन ऑन वन रिलेशनशिप पर ध्यान देना चाहिए, मतलब यू एंड आई के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और जब ये हो जाए तो बड़ा कम्युनिटी दिखाना. दासनी बोलते हैं समझ गया, ये एक अच्छा ऑर्डर है. युवा बोलते हैं अब पहली चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये है सेल्फ अटैचमेंट. आप कह रहे हो कि आई से अटैचमेंट छोड़ना चाहिए और कंसर्न फॉर अदर्स में स्विच करना चाहिए और मुझे पता है कि ये बिल्कुल सही है. कंसर्न फॉर अदर्स इम्पॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, लेकिन चाहे जो हो हम अपने बारे में परेशान होते हैं, हम अपने आप को देखते रहते हैं. दार्शनिक बोलते हैं क्या आपने सोचा कि हम अपने आप को परेशान क्यों करते हैं? युवा बोलते हैं सोचा है, अगर मैं नार्सिसिस्ट होता, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने आप से प्यार करता और अपने आप से फैसिनेटेड रहता तो शायद चीज़ें सिंपल होती, क्योंकि आपका इंस्ट्रक्शन हैव मोर कंसर्न फॉर अदर्स एकदम साउंड है. लेकिन मैं सेल्फ लविंग नार्सिसिस्ट नहीं हूँ, मैं सेल्फ लूजिंग रियलिस्ट हूँ. मुझे अपने आप को पसंद नहीं है और यही वजह है कि मैं अपने आप को देखता रहता हूँ. मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है और इसीलिए मैं एक्सेसिबली सेल्फ कॉन्शियस हूँ. दासनी पूछता है आपको कब लगता है कि आप एक्सेसिबली सेल्फ कॉन्शियस हो? युवा बोलते हैं वो मीटिंग में, फॉर एग्जांपल मुझे हाथ उठाना और अपनी बात बोलना मुश्किल लगता है, मैं बेकार की चीज़ें सोचता हूँ, जैसे कि अगर मैं ये सवाल पूछूंगा तो शायद वो मुझ में हंसेंगे, या अगर मैं जो पॉइंट बनाना चाहता हूँ वो इररिलेवेंट हो तो मुझे रिडिक्यूल करेंगे और ऐसा ही मैं छुप जाता हूँ. सच बताओ तो मैं लोगों के सामने सीली जोक्स भी बोलने में घबराता हूँ. हर बार मेरा सेल्फ कॉन्शियसनेस किक इन करके ब्रेक्स लगा देता है. मेरा सेल्फ कॉन्शियसनेस मुझे इनोसेंट तरीके से बिहेव करने नहीं देता, लेकिन मुझे आपका जवाब पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है वो हमेशा ही होगा. हैव करेज जैसी बातें मेरे काम का नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ करेज की बात नहीं है. दासनी बोलते हैं मुझे समझ आ गया, पिछली बार मैंने कम्युनिटी फीलिंग का एक ओवरव्यू दिया था, आज हम और गहराई में जाएंगे. युवा पूछते हैं और ये हमें कहाँ ले जाएगा? दासनी बोलते हैं शायद हम खुशहाली के सवाल तक पहुँच जाएंगे. युवा पूछते हैं वो तो खुशहाली कम्युनिटी फीलिंग से परे हैं?
दासनी बोलते हैं, जवाबों को जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो चाहिए वो बातचीत है। युवा बोलते हैं, ठीक है फिर तो चलो शुरू करते हैं। फिफ्थ नाइट का सेकंड पॉइंट, नॉट सेल्फ एफर्मेशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस। दार्शनिक बोलते हैं, सबसे पहले आप जो अभी कह रहे थे अपने आप को रोकने और मासूम तरीके से बिहेव करने के बारे में, उस पर नज़र डालते हैं। शायद बहुत लोगों को ये परेशानी होती है, तो फिर से सोर्स पर जाते हैं और आपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं। आप अपने मासूम व्यवहार को रोककर क्या हासिल करना चाहते हैं? युवा बोलते हैं, ये एक सच्चाई इच्छा है कि मुझे कोई हंसे ना, मुझे बेवकूफ ना समझे। दासनी बोलते हैं, तो दूसरों शब्दों में आप अपने मासूम आप पर विश्वास नहीं रखते और आप ऐसे व्यक्तिगत संबंध से दूर रहते हैं जिसमें आप बस अपने आप हो। पर मैं दावा करके कह सकता हूँ कि जब आप अकेले घर पर होते हैं तो आप जोर से गाते हैं और म्यूजिक पर नाचते हैं और जिंदा दिल से बात करते हैं। युवा थोड़ा मुस्कुराकर कहते हैं, लगता है आपने मेरे कमरे में कोई जासूसी कैमरा लगा दिया है, पर हाँ ये सही है, मैं अकेला रहकर आज़ाद तरीके से बिहेव करता हूँ। दार्शनिक बोलते हैं, कोई भी अकेला रहकर राजा की तरह बिहेव कर सकता है, तो ये एक ऐसी बात है जो व्यक्तिगत संबंधों के संदर्भ में सोचनी चाहिए, क्योंकि बात ये नहीं है कि आपके पास कोई मासूम आप नहीं है, सिर्फ ये है कि आप दूसरों के सामने ऐसे काम नहीं कर सकते। युवा पूछते हैं, तो फिर मैं क्या करूँ? दासनी बोलते हैं, अंत में ये सब कम्युनिटी फीलिंग के बारे में ही है। ज़रा साफ तौर पर बोलूँ तो ये स्विच करना ही खुद से जुड़ने से, यानी स्वार्थ, दूसरे के लिए चिंता करना और कम्युनिटी फीलिंग का एहसास पाना। इस वक्त तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, पहला है स्वस्वीकृति, दूसरा है दूसरों पर विश्वास और तीसरा है दूसरों का योगदान। युवा बोलते हैं, दिलचस्प नए शब्द मुझे दिख रहा है, ये किस चीज़ का संदर्भ है? दार्शनिक बोलते हैं, चलिए स्वस्वीकृति से शुरू करते हैं। हमारी पहली रात मैंने एडलर का कथन उठाया था, ज़रूरी बात यह नहीं है कि किसी को जन्म से क्या मिला है, बल्कि उस सम्मान का वो क्या इस्तेमाल करता है। क्या आपको याद है? युवा बोलते हैं, हाँ याद है। दार्शनिक बोलते हैं, हम लोग एक ऐसा बर्तन है, उसको ना तो हम फेंक सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं, ज़रूरी बात तो यह है कि उस सम्मान का वो क्या इस्तेमाल करता है। एक अपनी मैं को देखने का तरीका बदलता है, यानी हमें कहना चाहिए एक उसका इस्तेमाल बदलता है। युवा बोलते हैं, क्या इसका ये मतलब है कि ज़्यादा सकारात्मक बातें और स्वसमर्थन की भावना मजबूत रखें और सब चीज़ों को ज़्यादा सकारात्मक तरीके से सोचें? दासनी बोलते हैं, अपने आप को जोर देना और स्वसमर्थन करने की ज़रूरत नहीं है, हम स्वसमर्थन से नहीं बल्कि स्वस्वीकृति से चिंतित हैं। युवा थोड़ा बात को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाता है और पूछते हैं, स्वसमर्थन नहीं बल्कि स्वस्वीकृति? दार्शनिक बोलते हैं, बिल्कुल सही, यहाँ एक साफ फर्क है। स्वसमर्थन अपने आप को सुझाव देना होता है, जैसे कि मैं कर सकता हूँ या मैं मजबूत हूँ, जबकि कुछ चीज़ें बस आपकी काबिलियत से बाहर है। ये एक ऐसा ख्याल है जो घमंड का जन्म देता है, और शायद ये एक ऐसा जीने का तरीका भी कहा जा सकता है जिसमें आप अपने आप से झूठ बोलते हैं। स्वस्वीकृति के साथ दूसरी तरफ अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप बस अपने असमर्थ आप को जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ताकि आप जो भी कर सकते हैं वो करें। ये अपने आप से झूठ बोलने का तरीका नहीं है। इसको और ज़्यादा साफ तरीके से समझने के लिए, मान लीजिए आपका स्कोर 60% है, पर आप अपने आप से कहते हैं, मैं बस इस बार बदकिस्मत रहा और असली में तो मैं 100% हूँ। ये ससमर्थन है। इसका उल्टा, अगर आप अपने आप को जैसा ही वैसा ही स्वीकार करते हैं 60% के तौर पर और अपने आप से सोचते हैं, मैं 100% का नज़दीक जाने के लिए क्या करूँ, ये स्वस्वीकृति है। युवा पूछते हैं, तो अगर आप सिर्फ 60% भी हो तो निराशावादी होने की ज़रूरत नहीं है? दासनी बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, कोई भी पूरा नहीं होता। क्या आपको याद है मैंने जब श्रेष्ठता की खोज को समझाया था तो मैंने क्या कहा था? कि सब लोग ये हालात में होते हैं कि वो सुधरने की चाह रखते हैं। इसका उल्टा मतलब यह है कि कोई भी 100% इंसान नहीं होता। ये एक बात है जो हमें शुक्रिया तौर पर मानना चाहिए। युवा बोलते हैं, आप जो कह रहे हो वो मुझे सकारात्मक लगता है, पर इसमें एक नकारात्मक बात भी है। दासनी बोलते हैं, यहाँ मैं सकारात्मक त्याग शब्द का इस्तेमाल करता हूँ।
युवा पूछता है, सकारात्मक त्याग वो क्या है? दासानी बोलता है, ये काम का बंटवारा भी है, एक ये निर्धारित करता है कि कौन सी चीज़ें वो बदल सकता है और कौन सी नहीं। एक अपने जन्म से जो मिला है उसको नहीं बदल सकता, पर एक अपनी शक्ति के तहत को उस सामान का इस्तेमाल बदल सकता है। तो उस सूरत में एक बस उस चीज़ पर ध्यान देना है जो वो बदल सकता है, ना कि उस पर जो वो नहीं बदल सकता। ये मैं स्वस्वीकृति कहता हूँ। युवा थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछते हैं, जो बदल सकता है और जो नहीं? दासनी बोलता है, बिल्कुल सही, वो चीज़ स्वीकार करो जो बदली नहीं जा सकती। अपने इस मैं को जैसा ही है वैसा ही स्वीकार करो, और जो चीज़ें बदल सकते हैं उसको बदलने की हिम्मत रखो, ये स्वस्वीकृति है। युवा बोलता है, ये मुझे एक लेखक कुर्त वोनेगट का एक किताब में कोट किया हुआ लाइन याद दिलाता है, हे भगवान मुझे शांति दे दो कि मैं वो चीज़ें स्वीकार कर लूँ जो मैं नहीं बदल सकता, हिम्मत दे दो कि मैं वो चीज़ें बदल सकूँ जो मैं कर सकता हूँ, और बुद्धि दे दो कि मैं फ़र्क समझ सकूँ। ये नोवेल स्लॉटर हाउस 5 में है। दासनी बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, ये सेरेनिटी प्रेयर है। ये कोट बहुत ही मशहूर है और क्रिश्चियन समाजों में कई सालों से चलते आ रहे हैं। युवा बोलता है, उसने हिम्मत शब्द के भी इस्तेमाल किया था। मैंने उस किताब को इतना गौर से पढ़ा था कि मुझे दिल से याद होना चाहिए था, पर अब तक मुझ में ये बात कभी नोटिस नहीं हुई। दासनी बोलता है, ये सही है, हमें काबिलियत की कमी नहीं है, हमें बस हिम्मत की कमी है, सब हिम्मत पर निर्भर करता है। फिफ्थ नाइट का थर्ड पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। युवा बोलता है, इसमें अफर्मेटिव रेजिग्नेशन का कुछ तो है जो बहुत पेसिमिस्टिक लगता है। अगर इतनी लंबी डिस्कशन का नतीजा यही है कि रेजिग्नेशन करना है तो ये बहुत ब्लेग है। दासनी बोलता है, ऐसा क्या है? रेजिग्नेशन का मतलब होता है क्लियर देखना और एक्सेप्ट करना, चीज़ों की सच्चाई को पकड़ना, ये रेजिग्नेशन है। इसमें कोई पेसिमिज्म तो मुझे नहीं लगता। युवा बोलता है, सच्चाई को पकड़ना? दार्शनिक बोलता है, हाँ बस यही नहीं कि रेजिग्नेशन से सेल्फ एक्सेप्टेंस हो गया तो कम्युनिटी फीलिंग भी आ जाएगी, और ये रियलिटी है। जब हम सेल्फ से दूसरों की तरफ स्विच करते हैं तो दूसरा की कॉन्सेप्ट कंडेंस इन अदर्स बहुत ज़रूरी होता है। युवा बोलता है, कंडेंस इन अदर मतलब दूसरों पर भरोसा करना? दार्शनिक बोलता है, यहाँ पर मैं दूसरों पर भरोसा करना को ट्रस्ट और कंडेंस के डिफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में समझाऊँगा। पहले जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो हम कुछ कंडीशंस के साथ बात करते हैं, हम इसे क्रेडिट कहते हैं। जैसे जब कोई बैंक से पैसा उधार लेना चाहता है तो उसका कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। बैंक उस सिक्योरिटी के वैल्यू के हिसाब से लोन का अमाउंट कैलकुलेट करता है और कहती है, हम इतना लेंड कर सकते हैं। ये एटीट्यूड कि हम तुम्हें इस कंडीशन पर लेंड करेंगे कि तुम वापस करोगे, या हम तुम्हें इतना लेन देंगे जितना तुम वापस कर सकते हो, ये कंडेंस नहीं है, ये ट्रस्ट है। युवा बोलते हैं, हाँ बैंक तो ऐसे ही काम करती है। दार्शनिक बोलते हैं, लेकिन कंट्रास्ट में एडलेरियन साइकोलॉजी के हिसाब से इंटरपर्सनल रिलेशंस का बेसिस ट्रस्ट पे नहीं कंडेंस पे बनता है। युवा पूछते हैं, और कंडेंस इस केस में क्या है? दार्शनिक बोलते हैं, ये होता है कि दूसरों पे भरोसा करना बिना किसी कंडीशन के, चाहे ट्रस्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव ग्राउंड्स हो या ना हो, फिर भी भरोसा करना। भरोसा करना अनकंडीशनली बिना सिक्योरिटी जैसे चीज़ों के देखे, ये कंडेंस है। युवा पूछता है, भरोसा करना वो भी अनकंडीशनली? तो फिर ये वापस आता है आपके फेवरेट नोशन पे, नेवरली लव, है ना? दासनी बोलते हैं, हाँ अगर आप दूसरों पे भरोसा करते हैं बिना किसी कंडीशन के तो कभी कभी आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है, जैसे डेबिट का गारंटर, कभी कभी आपके नुकसान हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में भी दूसरों पे भरोसा करते रहना का एटीट्यूड ही कंडेंस कहते हैं। युवा बोलता है, ऐसा सिर्फ एक बेवकूफ ही कर सकता है, शायद आप डॉक्ट्रिन ऑफ इनेट ह्यूमन गॉडनेस पे बिलीव करते हैं और मैं डॉक्ट्रिन ऑफ इनेट ह्यूमन एविलनेस पे। पूरी तरह अनजान लोगों पे भरोसा करोगे तो बस यूज़ और अब्यूज़ होंगे। दासनिक बोलते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आपको धोखा देता है और आपका यूज़ करता है, लेकिन सोचो एक स्टैंड पॉइंट से जो फ़ायदा उठाया गया है। ऐसे लोग होते हैं जो आप पे अनकंडीशनली भरोसा करते रहते हैं, चाहे आपने उनका फ़ायदा उठाया हो या नहीं।
लेकिन जो लोग आप पे कंडेंस रखते हैं, चाहे आपने उनके साथ कुछ भी किया हो, क्या आप ऐसे इंसान को बार बार बिट्रे कर सकते हो? युवा बोलता है, नहीं, मतलब ये तो... युवा कुछ बोलने का प्रयास करता है, लेकिन दार्शनिक उन्हें टोक कर बोलते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। युवा बोलता है, इतनी बात के बाद आप ये कहना चाहते हैं कि इमोशंस पे अपील करना पड़ेगा, जैसे एक सेंट की तरह फेथ होल्ड करके रहना और दूसरे के कंसाइंस पे एक्ट करना। आप कह रहे थे कि मॉरल्स मैटर्स नहीं करते एडलर के लिए, लेकिन ये तो वही बात है ना? दार्शनिक बोलते हैं, नहीं, ये नहीं है। आप बताओ कि कंडेंस का ऑपोजिट क्या है? युवा सोचते हैं, कंडेंस का एंटोनिम। दार्शनिक बोलते हैं, ये डाउट है। मान लो आपने डाउट को अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस का फाउंडेशन बना लिया है, कि आप दूसरों पे डाउट करते रहते हो, अपने फ्रेंड्स पे, अपने फैमिली पे और अपने प्यार करने वाले लोगों पे। ऐसे में कैसा रिलेशनशिप बन सकता है? दूसरा इंसान आपकी आंखों में डाउट को एक सेकंड में पकड़ लेगा, तो वो समझ लेगा कि ये इंसान मुझ पे कंडेंस नहीं रखता है। आपको लगता है कि उस पॉइंट से कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप बन सकता है? वही तो वजह है कि हम अनकंडीशनल कंडेंस के फाउंडेशन रखते हैं, ताकि हम एक गहरा रिलेशनशिप बना सके। युवा बोलता है, ओके, समझ गया। दार्शनिक बोलता है, एडलेरियन साइकोलॉजी को समझना बहुत सिंपल है। अभी आप सोच रहे हो, अगर मैं किसी पे अनकंडीशनल कंडेंस रखूं, तो बस मेरा फ़ायदा उठाया जाएगा, लेकिन आप नहीं डिसाइड करते हो कि फ़ायदा उठाना है या नहीं। ये दूसरे इंसान का टास्क है, आपको बस ये सोचना है कि मैं क्या करूं। अगर आप खुद से कहते हो, मैं उसे दे दूंगा अगर वो मेरा फ़ायदा नहीं उठाएगा, तो ये सिर्फ एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, जो सिक्योरिटी या कंडीशंस पे बेस्ड है। युवा बोलते हैं, वो वहाँ भी टास्क सेपरेट करते हैं? दार्शनिक बोलते हैं, हाँ, जैसा मैंने बार बार कहा है, टास्क को सेपरेट करना लाइफ को बहुत सिंपल बना देता है। लेकिन टास्क सेपरेशन का प्रिंसिपल समझना आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करना मुश्किल है, और ये मैं भी मानता हूँ। युवा बोलता है, तो आप मुझसे ये कहना चाहते हो कि मैं सब पे कंडेंस रखता रहूं, दूसरों पे भरोसा करता रहूं, चाहे वो मुझे धोखा दे, और बस एक बेवकूफ़ बनता रहूं? ये ना तो फिलॉसफी है और ना ही साइकोलॉजी है, ये तो बस एक फेनाटिकल सोच है। दार्शनिक बोलता है, ये मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ। एडलेरियन साइकोलॉजी दूसरे पे अनकंडीशनल कंडेंस रखो नहीं कहती, किसी मोरालिस्टिक वैल्यू सिस्टम के बेसिस पे। अनकंडीशनल कंडेंस एक मीन्स है अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए और एक हॉराइजेंटल रिलेशनशिप बनाने के लिए। अगर आपको उस इंसान के साथ अपना रिलेशनशिप बेहतर बनाना का डिज़ायर नहीं है, तो आप उसको कट कर दो, क्योंकि उसको कट करना आपका टास्क है। युवा बोलता है, तो अगर मैंने अपना फ्रेंड पे अनकंडीशनल कंडेंस रखा है अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, मैंने उसके लिए हर तरह से मेहनत की है, खुशी से पैसे भी दिए हैं और उसके लिए टाइम और एफर्ट भी नहीं बचाए हैं, लेकिन ऐसे केसेस में भी होता है कि फ़ायदा उठाया जाता है। जैसे अगर कोई आपको बहुत बुरा तरीके से फ़ायदा उठाए, तो आपने पूरी तरह से भरोसा किया था, तो क्या वो एक्सपीरियंस आपको ऐसी लाइफस्टाइल देती है जिसमें दूसरे लोग मेरे दुश्मन हैं आउटलुक होता है? दार्शनिक बोलते हैं, लगता है कि आपने अभी तक कंडेंस का गोल समझा नहीं है। मान लो जैसे कि आप एक लव रिलेशनशिप में हो, लेकिन आपको अपने पार्टनर पे डाउट हो रहा है और आप सोचते हो शायद वो मुझे चीट कर रहा है, और आप डिस्परेट एफर्ट्स शुरू कर देते हो उसके प्रूफ ढूंढने के लिए। आपको लगता है कि रिजल्ट में क्या होगा? युवा बोलता है, वेल, मुझे लगता है कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। दार्शनिक बोलते हैं, नहीं, हर केस में आपको बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे कि वो आपको चीट कर रही थी। युवा बोलते हैं, रुको, क्यों? फिलोसोफर बोलते हैं, आपके पार्टनर के कैजुअल रिमार्क्स, उसका फ़ोन पे बात करने का टोन, जब आप उससे कांटेक्ट नहीं कर पाते तब तक आप डाउट वाली आंखों से देखोगे, सब चीज़ें आपको एविडेंस लगेंगे कि वो चीट कर रही थी, चाहे वो कर रही हो या नहीं। युवा बोलता है, दार्शनिक बोलता है, अभी आप सिर्फ उन टाइम्स पे फोकस कर रहे हो जब आपका फ़ायदा उठाया गया था और कुछ नहीं। आप सिर्फ उन वूंड्स को पेन देख रहे हो जो आपको ऐसे ओकेशंस पे हुआ था। लेकिन अगर आप दूसरों पे कंडेंस रखने से डरते हो, तो लॉन्ग रन पे आप किसी के साथ भी गहरा रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे।
युवा बोलते हैं, अच्छा मुझे आपकी बात समझ आ रही है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और यह है गहरे रिलेशनशिप बनाना, लेकिन फिर भी फ़ायदे उठाए जाना डरावना है और ये रियलिटी है ना। दार्शनिक बोलते हैं, अगर रिलेशनशिप गहरा ना हो तो जब वो टूट जाए तो पेन भी कम होगा, और उस रिलेशनशिप का जॉय हर दिन देता है वो भी कम होगा। और यही तो वजह है कि दूसरों पे कंडेंस रखने से हमें गहरा रिलेशनशिप में जाने की हिम्मत मिलती है और हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस का जॉय बढ़ता है और हमारी लाइफ का जॉय भी बढ़ता है। युवा बोलते, नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा था। अब फिर सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, फ़ायदे उठाने से डरने की हिम्मत कहाँ से आती है। दार्शनिक बोलते हैं, यह सेल्फ एक्सेप्टेंस से आती है। अगर हम खुद को जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर ले और समझ ले कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, तो हमें समझ में आता है कि फ़ायदा उठाना दूसरे इंसान का टास्क है और दूसरों पे कंडेंस का कोर समझना कम मुश्किल हो जाता है। युवा बोलता है, आप कह रहे हो कि फ़ायदा उठाना दूसरे इंसान का टास्क है और हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, और मैं अफर्मेटिव तरीके से रिजाइन हो जाऊँ। आपके आर्ग्यूमेंट्स हमारे इमोशंस को इग्नोर करते हैं। जब हमारा फ़ायदा उठाया जाता है तो हमें जो गुस्सा और दुख होता है उसका क्या करें। दार्शनिक बोलते हैं, जब दुख में हो तो दिल खोल कर दुखी हो। जब हम पेन और सैडनेस से भागने की कोशिश करते हैं तभी हम स्टक हो जाते हैं और किसी के साथ भी गहरा रिलेशनशिप नहीं बना पाते। ऐसे सोचो, हम भरोसा कर सकते हैं और हम डाउट कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरों पे अपना कॉमरेड्स के रूप में देखना चाहते हैं। भरोसा करना या डाउट करना, चॉइस तो क्लियर होना चाहिए। फिफ्थ नाइट का फोर्थ पॉइंट, द एसेंस ऑफ वर्क इज़ अ कंट्रीब्यूशन टू द कॉमन गुड। युवा बोलता है, अच्छा तो मान लो मैंने सेल्फ एक्सेप्टेंस अचीव कर लिया है और मैंने दूसरों पे कंडेंस भी रखा है, तो उसके बाद मुझ में क्या चेंजेस आएंगे। दार्शनिक बोलता है, पहले आप जैसा हो वैसा एक्सेप्टेंस होगा, यह सेल्फ एक्सेप्टेंस है। फिर दूसरों पे अनकंडीशनल कंडेंस रखना, ये दूसरों पे कंडेंस है। आप खुद को एक्सेप्ट कर सकते हो और आप दूसरों पे कंडेंस रख सकते हो, तो अब दूसरे लोग आपके लिए क्या है। युवा बोलता है, मेरे कॉमरेड्स। दार्शनिक बोलता है, बिल्कुल, असल में दूसरों पे कंडेंस रखने का मतलब होता है कि हम उन्हें अपने कॉमरेड्स के रूप में देखते हैं। यही तो वजह है कि हम अपने कंडेंस रख सकते हैं। अगर वो हमारे कॉमरेड्स नहीं होते तो हम कॉन्डेंस के लेवल तक नहीं पहुंच सकते, और फिर दूसरों को अपने कॉमरेड्स बनाने का मतलब होता है कि हम अपने कम्युनिटी पे रिफ्यूज ढूंढते थे, तो हमें बिलोंगिंग का सेंस मिलता है कि यहाँ रहना ठीक है। युवा बोलते हैं, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ रहना ठीक है महसूस करने के लिए हमें दूसरों को कॉमरेड्स देखना पड़ेगा, और दूसरों को कॉमरेड्स देखने के लिए हम सेल्फ एक्सेप्टेंस और दूसरों पे कंडेंस की ज़रूरत है। क्या मैं सही कहा। दार्शनिक बोलता है, सही कहा, आप जल्दी समझ रहे हो। एक और स्टेप आगे लेके जाने की कोशिश करो, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो लोग दूसरों को एनिमी समझते हैं उन्हें सेल्फ एक्सेप्टेंस अचीव नहीं किया है और उनके पास दूसरों पे कंडेंस भी कम है। युवा बोलता है, अच्छा ये तो सच है कि लोग बिलोंगिंग का सेंस ढूंढते हैं कि यहाँ रहना ठीक है, और उसके लिए उन्हें सेल्फ एक्सेप्टेंस और दूसरों पे कंडेंस चाहिए। इसमें मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं रखता, लेकिन मुझे नहीं पता क्या सिर्फ दूसरों को कॉमरेड्स देखने से और उन पे कंडेंस रखने से भी बिलोंगिंग का सेंस मिल सकता है। दार्शनिक बोलते हैं, हाँ, कम्युनिटी फीलिंग सिर्फ सेल्फ एक्सेप्टेंस और दूसरों पे कंडेंस से अटेनेबल नहीं है। यहाँ पे तीसरा की कॉन्सेप्ट कंट्रीब्यूशन टू अदर्स ज़रूरी होता है। युवा पूछते हैं, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स इसका मतलब क्या है। दार्शनिक बोलता है, ये होता है कि किसी तरह से अपने कॉमरेड्स पे एक्ट करना, कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करना, ये कंट्रीब्यूट टू अदर्स है। युवा बोलता है, तो जब आप कंट्रीब्यूट कहते हो तो आपका मतलब होता है कि सेल्फ सेक्रीफाइस का स्पिरिट देखना और अपने आसपास के लोगों को सर्विस करना है ना। दार्शनिक बोलता है, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स का मतलब सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं होता। एडलर इतना कहते हैं कि जो लोग दूसरों के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं वो लोग सोसाइटी को बहुत ज़्यादा कन्फर्म करते हैं। और ये मत भूलो कि हम अपनी वर्थ का तभी अवेयर होते हैं जब हम महसूस करते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस और बिहेवियर कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल है।
मतलब जब हमें लगता है कि मैं किसी काम का हूँ, याद है, मतलब कंट्रीब्यूशन टू अदर्स रेदर देन बीइंग अबाउट गेटिंग रीड ऑफ द आई एंड बीइंग ऑफ सर्विस टू समवन इज एक्चुअली समथिंग द डज इन ऑर्डर टू बी ट्रूली अवेयर ऑफ द वर्थ ऑफ द आई। युवा पूछता है कंट्रीब्यूटिंग टू अदर्स अपने लिए होता है? दार्शनिक बोलता है हाँ, सेल्फ को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। युवा बोलते हैं अरे आपका आर्ग्यूमेंट यहाँ से टूट रहा है ना, आपने खुद ही अपना ग्रेव खोद दिया है। अपनी आय को सेटिस्फाई करने के लिए हम दूसरों की सर्विस करते हैं, ये तो हिपोक्रेसी का डेफिनेशन है ना। मैंने पहले भी कहा था आपका पुराना आर्ग्यूमेंट हिपोक्रिटिकल है, ये एक स्लिपरी आर्ग्यूमेंट है। देखो मैं विलेन पे भरोसा करूँगा जो अपनी डिज़ायर्स के बारे में ऑनेस्ट हो, रेदर देन गुड गाय पे जो झूठ बोलता है। एक्चुअली दासनी बोलता है ये बहुत जल्दी कंक्लूजन है, आप अभी तक कम्युनिटी फीलिंग को समझे नहीं है। युवा बोलता है तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कंक्रीट एग्जांपल्स दे कि आपके हिसाब से कंट्रीब्यूशन टू अदर्स क्या है। दार्शनिक बोलता है कंट्रीब्यूशन टू अदर्स का सबसे आसान एग्जांपल शायद वर्क है, सोसाइटी में रहना और वर्कफोर्स में ज्वाइन होना, या अपने हाउस होल्ड का ध्यान रखना। लेबर पैसे कमाने का मीन्स नहीं है, लेबर से हम दूसरों को कंट्रीब्यूट करते हैं और अपने कम्युनिटी से कमिट होते हैं, और हमें महसूस होता है कि मैं किसी काम का हूँ और हम अपनी एग्जिस्टेंशियल वर्थ को भी एक्सेप्ट करते हैं। युवा बोलता है आप ये कह रहे हो कि वर्क का एसेंस कंट्रीब्यूशन टू अदर्स है? दासनी बोलता है पैसे कमाना भी एक मेजर फैक्टर है, ज़रूर, ये थोड़ा सा डस्टोवेस्की कोट जैसा है जैसा आपने देखा था, मनी इज़ कॉइंड फ्रीडम। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो इतने पैसे रखते हैं कि वो कभी यूज़ नहीं कर सकते, और इन लोगों में से बहुत से लोग अपने वर्क में बिजी रहते हैं। वो क्यों वर्क करते हैं? क्या वो बाउंडलेस ग्रीड से ड्राइव होते हैं? नहीं, वो वर्क करते हैं ताकि वो दूसरों को कंट्रीब्यूट कर सके और अपना बिलोंगिंग का एहसास कन्फर्म कर सके कि यहाँ रहना ठीक है। जो वेल्दी लोग जिन्होंने बहुत फॉर्चून बना लिया है और फिर अपने एनर्जीज को चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में फोकस करते हैं, वो ये इसीलिए करते हैं ताकि वो अपनी वर्थ का सेंस पा सके और खुद से कह सके कि यहाँ रहना ठीक है। युवा बोलते हैं शायद ये सेक्रीफाइस है, लेकिन दासिनी बोलते हैं लेकिन क्या, सेल्फ एक्सेप्टेंस, जैसा हो वैसा एक्सेप्ट करना, दूसरों पर कंडेंस, अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस का बेस पे अनकंडीशनल कंडेंस रखना रेदर देन डाउट। युवा ने इस दो कॉन्सेप्ट को सुसैंडली कन्विंसिंग पाया, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू अदर्स ये वो चीज़ थी जो उसको समझ नहीं आ रही थी। अगर वो कंट्रीब्यूशन दूसरों के लिए होना चाहिए तो वो एक बिटर सेल्फ सेक्रीफाइस होना पड़ेगा, अगर वो कंट्रीब्यूशन एक्चुअली अपने लिए होना चाहिए तो ये हिपोक्रेसी का हाइट है। ये पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, एक रिजोल्यूट टोन ऑफ वॉइस में युवा ने बात आगे बढ़ाई। फिफ्थ नाइट का फिफ्थ पॉइंट, यंग पीपल वर्क अहेड ऑफ एडल्ट्स। युवा बोलते हैं तो मैं मान लूँ कि वर्क में कंट्रीब्यूशन टू अदर्स का एस्पेक्ट है, लेकिन ये लॉजिक जो कहते हैं कि ऑफिशियली हम दूसरों को कंट्रीब्यूट करते हैं जबकि एक्चुअली हम अपने लिए करते हैं, और ये कुछ और नहीं बल्कि हिपोक्रेसी है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दार्शनिक बोलते हैं एक ऐसी सीन को इमेजिन करो, घर पे डिनर के बाद टेबल पे अभी भी डिशेस है, बच्चे अपने रूम्स में चले गए हैं और हस्बैंड सोफा पे बैठ के टीवी देख रहे हैं। डिशेस को वॉश करना और सब क्लियर करना वाइफ का काम रह गया है, और बुरी बात यह है कि फैमिली ने पूरा ग्रांटेड ले लिया है कि थोड़ी सी भी एफोर्ट नहीं करेंगे इस बारे में। ऐसे सिचुएशन में नॉर्मली हम सोचते हैं वो लोग मुझे क्यों हेल्प करेंगे, या मैं ही क्यों ये सब काम करूं? चाहे मेरी फैमिली मुझे थैंक यू बोले या ना बोले, जब मैं साफ सफाई कर रहा हूँ मैं चाहती हूँ कि वो मुझे समझे कि मैं फैमिली के लिए काम का हूँ। मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ इसके बारे में सोचना और प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, रेदर देन सोचना कि दूसरों ने मेरे लिए क्या किया है। बस कंट्रीब्यूशन का फीलिंग रखने से मेरे सामने वाली रियलिटी बिल्कुल अलग लगने लगेगी। असल में अगर मैं डिशेस वॉश करते हुए खुद से गुस्सा हो रहा हूँ तो शायद मैं बहुत बोरिंग हूँ और इसीलिए सब लोग मुझसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं खुश मूड में हूँ और डिशेस वॉश कर रहा हूँ तो शायद बच्चे मुझे हेल्प करने आ जाए।
कम से कम मैं ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें उन्हें हेल्प करने के लिए आसान हो। युवा बोलता है, हाँ शायद उस सेटिंग में तो ऐसा ही हो। दासनी बोलता है, अब बताओ मुझे उस सेटिंग में कंट्रीब्यूशन का फीलिंग क्यों है? मुझे इसीलिए है क्योंकि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को कॉमरेड समझती हूँ। अगर मैं ऐसा ना कर सकती हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आते रहते हैं कि मैं ही क्यों ये सब करूँ या कोई मुझे हेल्प क्यों नहीं करता। कंट्रीब्यूशन तो हम दूसरों को एनिमीज समझकर करते हैं, वो शायद हिपोक्रेसी ले जा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे लोग हमारे कॉमरेड्स हैं तो चाहे हम कितना भी कंट्रीब्यूशन करें वो कभी नहीं होना चाहिए। आप हिपोक्रेसी वर्ड पे स्टॉप हो गए हो क्योंकि आप अभी तक कम्युनिटी फीलिंग को समझे नहीं है। युवा बोलते हैं, ओके। दासनी बोलते हैं, कन्वीनियंस के लिए अब तक मैंने सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंडेंस इन आदर्स और कंट्रीब्यूशन टू आदर्स को इस ऑर्डर में डिस्कस किया है, लेकिन ये तीनों एक इनडिस्पेंसेबल होल के तौर पर लिंक्ड है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में। ये इसीलिए है क्योंकि एक अपना इरेप्लेसेबल दिस मी को, मतलब जैसा है वैसा एक्सेप्ट करता है और तभी वो कंडेंस इन आदर्स रख सकता है बिना फायदा उठाए। और ये इसीलिए है क्योंकि एक दूसरों पे अनकंडीशनल कंडेंस रख सकता है और महसूस कर सकता है कि लोग उसके कॉमरेड्स हैं, तभी वो कंट्रीब्यूशन टू आदर्स में एंगेज हो सकता है। और फिर ये इसीलिए है क्योंकि एक दूसरों को कंट्रीब्यूट करता है तभी वो अपनी वर्थ का डीप अवेयरनेस पा सकता है। मैं किस काम का हूँ और खुद को जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर सकता है। जो नोट्स अपने उस दिन दिए थे उनके पास हैं? युवा पूछता है, ओफ आप उस नोट की बात कर रहे हो जो एडलेरियन साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स पे था, है ना? मैंने उसको उस दिन से अपने पास रखा है। ऑफ कोर्स ये रहा, बिहेवियर के लिए दो ऑब्जेक्टिव्स, सेल्फ रिलायंट होना और सोसाइटी के साथ हार्मोनी में रहना। इन बिहेवियर्स को सपोर्ट करने वाले साइकोलॉजी के लिए दो ऑब्जेक्टिव्स, ये कॉन्शियसनेस की मेन एबिलिटी रखना और कॉन्शियसनेस की लोग मेरे कॉमरेड्स है ये मानना। दासनी बोलते हैं, तो मैं ओवरलैप करता हूँ कि इस नोट का कंटेंट जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे उसकी मुझे डीपर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। मतलब सेल्फ रिलायंट होना और ये कॉन्शियसनेस की मेन एबिलिटी रखना हमारी सेल्फ एक्सेप्टेंस की डिस्कशन को करस्पॉन्ड करते हैं। और फिर सोसाइटी के साथ हारमोनी में रहना और ये कॉन्शियसनेस की लोग मेरे कॉमरेड्स हैं, दूसरों पे कंडेंस और फिर कंट्रीब्यूशन टू अदर से कनेक्ट होते रहना। और युवा बोलते हैं, समझ गया, तो लाइफ का ऑब्जेक्टिव कम्युनिटी फीलिंग है। मुझे लगता है कि ये क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। दासनी बोलते हैं, हाँ शायद लगेगा, जैसे एडलर ने खुद कहा था, एक ह्यूमन बीइंग को समझना कोई आसान बात नहीं है। सब साइकोलॉजी फॉर्म्स में से इंडिविजुअल साइकोलॉजी शायद सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है सीखने और प्रैक्टिस करने में। युवा बोलते हैं, बिल्कुल सही, चाहे थ्योरीज कन्विंसिंग हो प्रैक्टिस करना मुश्किल है। दासनी बोलते हैं, ये भी कहा गया है कि एडलेरियन साइकोलॉजी को ट्रूली अंडरस्टैंड करने और अपने लिविंग वे को चेंज करने के लिए अप्लाई करने में हमें अपनी लाइफ की हाफ नंबर ऑफ ईयर्स की ज़रूरत है। मतलब अगर आप 40 ईयर्स की एज में स्टडी शुरू करते हो तो आपको और 20 ईयर्स लगेंगे। अगर आप 20 ईयर्स की एज में स्टडी करते हो तो आपको 10 ईयर्स लगेंगे जब तक आप 30 हो जाओ। आप अभी यंग हो, इतनी अर्ली स्टेज में शुरू करने के मतलब यह है कि आप जल्दी चेंज हो सकते हो। जल्दी चेंज करने के सेंस में आप वर्ल्ड की एडल्ट से आगे चल रहे हो। खुद को चेंज करने और एक नया वर्ल्ड बनाने के लिए आप मेरे से भी आगे चल रहे हो। रास्ता खो देना या फोकस खो देना ठीक है, वर्टिकल रिलेशनशिप पे डिपेंड ना बनो, ये डिसलाइक होने से डरो, ये बस फ्रीली आगे बढ़ते रहो। अगर सभी एडल्ट्स ये देख सकते हैं कि यंग लोग उनसे आगे चल रहे हैं तो मैं श्योर हूँ कि वर्ल्ड ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा। युवा बोलता है, मैं आपसे आगे चल रहा हूँ? दासनी बोलता है, ज़रूर, हम सेम ग्राउंड पे चलते हैं और आप मुझसे आगे बढ़ रहे हो। युवा थोड़ा मुस्कुरा कर कहते हैं, आप पहला इंसान हो जो मुझ जैसे यंग को कुछ ऐसा बोलते हैं जो आपका बेटा हो सकता है। दासनी बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा यंग लोग एडलर की थॉट के बारे में सीखे। इसके साथ मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा एडल्ट भी सीखे, क्योंकि लोग चेंज हो सकते हैं चाहे उनकी एज कुछ भी हो। फिफ्थ नाइट का सिक्स्थ पॉइंट, वर्कहोलिज्म इज ए लाइफ लाई। युवा बोलता है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मुझे सेल्फ एक्सेप्टेंस या दूसरों पे कंडेंस की तरफ स्टेप लेने की हिम्मत नहीं है, लेकिन क्या यह सिर्फ मेरी गलती है?
क्या ये भी एक्चुअली एक प्रॉब्लम नहीं है जो दूसरे लोग क्रिएट करते हैं, जो मुझे बेकार में एक्यूज करते हैं और अटैक करते हैं? दासिनी बोलते हैं, ज़रूर, वर्ल्ड में सभी लोग अच्छे और नेक नहीं होते। हम अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस में बहुत से अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो हमें गलत नहीं समझनी चाहिए, ये फैक्ट कि हर केस में वो इंसान जैसे आपको अटैक किया है उसका प्रॉब्लम है, और ये बिल्कुल नहीं है कि सभी लोग बुरे हैं। न्यूरोटिक लाइफस्टाइल वाले लोग अपनी स्पीच में ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जैसे एवरीवन और ऑलवेज और एवरीथिंग। वो कहते हैं एवरीवन हेट्स मी, या इज ऑलवेज मी हु टेक्स लॉस, या एवरीथिंग इज रॉन्ग। अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसे जनरलाइजिंग स्टेटमेंट्स का हैबिट में हो तो आप केयरफुल हो। युवा बोलते हैं, हाँ, ये थोड़ा फेमिलियर लगता है। दासनी बोलते हैं, एडलेरियन साइकोलॉजी में हम इसको एक ऐसे वे ऑफ लिविंग के रूप में सोचते हैं जो हारमोनी ऑफ लाइफ में लैकिंग है। ये एक ऐसा वे ऑफ लिविंग है जिसमें हम सिर्फ चीज़ों को एक पार्ट देखते हैं लेकिन होल को जज करते हैं। युवा बोलते हैं, हारमोनी ऑफ लाइफ? दासनी बोलते हैं, जुडिज्म के टीचिंग में हमें एक ऐसा एनेक्डोट मिलता है, अगर 10 लोग हैं तो एक ऐसा होगा जो आपको क्रिटिसाइज करेगा चाहे आप कुछ भी करो। ये इंसान आपको पसंद नहीं करेगा और आप भी उसे पसंद नहीं करोगे। फिर 2 और लोग होंगे जो आपको बारे में सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे और जिनको आप भी एक्सेप्ट करोगे, और आप उनके साथ क्लोज फ्रेंड्स बनोगे। अब बताओ, आप उस एक इंसान पे फोकस करोगे जो आपको पसंद नहीं करता, आप उन 2 लोगों पे ज़्यादा ध्यान देते हो जो आपको प्यार करते हैं, या फिर आप क्राउड पे फोकस करोगे बाकी 7 लोगों पे? हारमोनी ऑफ लाइफ में लैकिंग वाला इंसान सिर्फ उस एक इंसान को दिखेगा जिससे वो नफरत करता है और उसी से वर्ल्ड का जजमेंट करेगा। युवा बोलते हैं, इंटरेस्टिंग। दासनी बोलते हैं, कुछ टाइम पहले मैंने एक वर्कशॉप पे पार्टिसिपेट किया था जो स्टैम्परिंग वाले लोगों और उनके फैमिलीज के लिए था। क्या आपको कोई स्टैमरिंग वाला इंसान पता है? युवा बोलते हैं, हाँ, मेरे स्कूल में एक स्टूडेंट था जो स्टटर करता था। ये डील करने में मुश्किल होता होगा चाहे वो स्टैमरिंग वाला इंसान हो या उसकी फैमिली। दासनी बोलते हैं, स्टैमरिंग डील करने में क्यों मुश्किल होता है? एडलेरियन साइकोलॉजी के हिसाब से स्टैमरिंग से सियोर करने, और लोग सिर्फ अपने वे ऑफ स्पीकिंग में ही कंसर्न रहते हैं और उन्हें इन्फीरियोरिटी का फीलिंग होता है और उनकी लाइफ को अनबियरेबल हार्ड समझते हैं, और वो इससे ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं और अपने वर्ड्स पे ज़्यादा स्टैम्बल करने लगते हैं। युवा बोलते हैं, वो सिर्फ अपने वे ऑफ स्पीकिंग पे कंसर्न रहते हैं? दासनी बोलते हैं, बिल्कुल, वर्ल्ड में इतने कम लोग होंगे जो कभी कभी वर्ड्स पे स्टैम्बल करने वाले इंसान को हंसेंगे या मजाक बनाएंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, शायद सिर्फ एक इंसान 10 में से मैक्सिमम किसी भी केस में जिस तरह के फूलिश पर्सन का एटीट्यूड हो उसके साथ ही अपना रिलेशनशिप बेहतर बनाएगा। लेकिन अगर हारमोनी ऑफ लाइफ में लैकिंग हो तो हम सिर्फ उस इंसान पे ही फोकस करेंगे और सोचेंगे एवरीवन इज लाफिंग एट मी। युवा बोलता है, लेकिन ये तो ह्यूमन नेचर है। दासनी बोलता है, मेरे पास एक रीडिंग ग्रुप है जो रेगुलर बेसिस पे मिलता है, और उसमें से एक पार्टिसिपेंट है जो हकलाता है। जब उसकी बारी आती है पढ़ने की तो कभी कभी उसका हकलाना निकल आता है, पर वहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका मजाक उड़ाए। सब लोग शांत रहते हैं और न्यूट्रल तरीके से इंतज़ार करते हैं कि अगला शब्द निकले। मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरे रीडिंग ग्रुप का ही फिनोमेनन नहीं है। जब किसी के साथ इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे नहीं चलते तो उसका रीज़न हकलाना या शर्माना या ऐसी कोई बात नहीं होती। असल में प्रॉब्लम यह है कि इंसान खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, या दूसरों पे भरोसा नहीं कर पाता, या फिर दूसरों की मदद नहीं कर पाता, पर वो सिर्फ एक छोटी सी बात पे फोकस करता है जो मैटर नहीं करती, और उससे पूरी दुनिया के बारे में जजमेंट बनाने की कोशिश करता है। ये एक गलत लाइफस्टाइल है जो लाइफ का हारमोनी मिस कर रही है। युवा पूछता है, क्या आपने सच में ऐसे हर्ष आइडिया को उन लोगों को बताया है जो हकलाने से सफ़र करता है? दासनी बोलते हैं, हाँ, बिल्कुल, शुरू में कुछ लोगों ने नेगेटिव रिएक्शन दिया, पर 3 दिन के वर्कशॉप के एंड तक सभी लोग इससे एग्री हो गए। युवा बोलते हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है, पर हकलाने वाले लोगों पे फोकस करना एक बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल लगता है,
कोई और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? दासनी बोलते हैं हाँ, एक एग्जाम्पल और हो सकता है वर्कहोलिक का। ये भी एक ऐसा इंसान है जो क्लियरली लाइफ का हारमोनी मिस कर रहा है। युवा पूछता है वर्कहोलिक क्यों, ऐसा क्यों? दासनी बोलते हैं हकलाने वाले लोग सिर्फ एक पार्ट देखते हैं पर पूरे को जज करते हैं। वर्कहोलिक के साथ फोकस सिर्फ एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे होता है लाइफ का। शायद वो ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि काम पे बहुत बिजी हूँ इसीलिए फैमिली के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता, पर ये एक लाइफ लाए है। वो बस अपनी दूसरी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं काम को बहाने बना के। इंसान को हर चीज़ से कंसर्न होना चाहिए, घर के काम से लेके बच्चों के परवरिश तक, दोस्ती से लेके हॉबीज तक और बहुत सारी चीज़ें। एडलर ऐसे तरीके से जीने को नहीं मानते जिसमें कुछ एस्पेक्ट्स यूजली डोमिनेंट हो। युवा बोलते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो फैमिली जिसको वो सपोर्ट करते हैं उनका भी तो कोई बोलने का हक नहीं होता। आप अपने बाप से आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं जब वो गुस्से से बोलते हैं तुम्हारे टेबल पे खाना लगता है उसका शुक्रिया मुझे अदा करो। दासनी बोलता है ऐसे बाप में शायद अपनी वर्थ को सिर्फ एक्ट्स के लेवल पर ही रिकग्नाइज किया जाता हो। वो इतने घंटे काम करते हैं, पैसे कमाते हैं फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और सोसाइटी से रिकग्नाइज होते हैं, और उसके बेसिस पे वो अपने आप को अपनी फैमिली के दूसरे मेंबर से ज़्यादा ओत वाला समझते हैं। पर हम सबके लिए ऐसा टाइम आता है जब हम प्रोवाइडर नहीं रह सकते, जब हम बूढ़े हो जाते हैं और रिटायरमेंट एज पे पहुंच जाते हैं तो शायद हमें पेंशन या बच्चों की सपोर्ट पे जीना पड़ता है। जब हम जवान होते हैं तो तब भी चोट या बीमारी की वजह से काम नहीं जा पाते। ऐसे ओकेशंस पे जो लोग सिर्फ एक्ट्स के लेवल पे खुद को एक्सेप्ट कर सकते हैं उनका बहुत नुकसान होता है। युवा बोलते हैं आप वर्कहोलिक वाले लोगों की बात कर रहे थे। दासनी बोलते हैं हाँ, जो लोग जिनकी लाइफ में हारमोनी नहीं है। वर्क का मतलब कंपनी में जॉब करना होता है, घर का काम, बच्चों की परवरिश, लोकल सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना, हॉबीज और बहुत सारी और चीज़ें भी वर्क हैं। कंपनीज और ऐसी चीज़ें जो सिर्फ उनका एक छोटा सा पार्ट है। सिर्फ कंपनी वर्क को ही एक्नॉलेज करने वाला तरीका जीने का एक ऐसा तरीका है जो लाइफ का हारमोनी मिस कर रहा है। फिफ्थ नाइट का 7 पॉइंट, यू कैन बी हैप्पी नाउ। युवा बोलते हैं खुश रहने की हिम्मत, तो सुनिए कि ये कैसी हिम्मत होनी चाहिए। दासनी बोलते हैं हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। युवा बोलते हैं आप कहते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, और फिर आप ये भी कहते हैं कि हमारा खुशी भी हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस में ही है, पर मुझे ये एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट करने में अभी भी दिक्कत होती है। क्या इंसानों को जो खुशी कहते हैं वो सिर्फ हमारे अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशंस में ही है? मतलब क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ इतने छोटे से आराम और खुशी के लिए है? दासनी बोलते हैं मुझे आपके इश्यूज़ का अच्छा अंदाज़ा है। जब मैंने पहली बार एडलेरियन साइकोलॉजी का लेक्चर अटेंड किया था तो लेक्चरर ऑस्कर क्रिस्टेंसन, जो एडलर के एक डिसिपल के डिसिपल थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जो लोग आज मेरे बात सुनेंगे वो अभी इस वक्त खुश हो सकते हैं, पर जो नहीं सुनेंगे वो कभी खुश नहीं हो सकते। युवा बोलते हैं वाह, ये तो कौन मैन की तरह बोल रहा है, मुझे नहीं लगता आप उनकी बात मान ली है ना। दासनी बोलता है इंसानों के लिए खुशी क्या है, ये एक सब्जेक्ट है जो एंशियंट टाइम से फिलॉसफी का एक कंसिस्टेंट थ्रेड रहा है। मैंने हमेशा साइकोलॉजी को सिर्फ फिलॉसफी का एक फील्ड ही समझा था, और इसीलिए मुझे साइकोलॉजी से कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट होने का नाते अपने तरीके से इस सवाल का कंसान रहा था। खुशी क्या है, अगर मैं ये ना मानूं कि क्रिस्टेंसन के वर्ड्स सुन के मुझे कुछ हेजिटेशन ना हुई तो मैं गलत करूंगा। पर हेजिटेशन फील करने के साथ साथ मैंने कुछ और रियलाइज़ किया। मैंने खुशी की असलियत पे बहुत गहरी सोच की थी, मैंने आंसर्स ढूंढे थे, पर मैंने हमेशा ये सवाल गहरी सोच से नहीं पूछा था, कोई कैसे खुश हो सकता है। जब मुझे लगा कि शायद मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूँ पर शायद मैं खुश नहीं हूँ। युवा बोलते हैं समझ गया, तो आपका पहला एनकाउंटर एडलेरियन साइकोलॉजी से एक इंटीग्रेटिव वाली फीलिंग से शुरू हुआ। दार्शनिक बोलते हैं बिल्कुल। युवा बोलते हैं तो प्लीज़ बताइए क्या आप इवेंचुअली खुश हो गए? दार्शनिक बोलते हैं हाँ ज़रूर। युवा बोलते हैं आप इतने श्योर कैसे हैं?
दार्शनिक बोलते हैं, इंसान के लिए सबसे बड़ा अनहैप्पीनेस यह है कि वो खुद को पसंद नहीं करता। एडलर ने इस रियलिटी को एड्रेस करने के लिए एक बहुत ही सिंपल आंसर दिया, वो ये है कि मैं कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हूँ या मैं किसी काम का हूँ। ऐसी फीलिंग वो चीज़ है जो इंसान को अपनी वर्थ का ट्रू अवेयरनेस दे सकती है। युवा पूछते हैं, आप दूसरों की मदद वाली बात कर रहे हैं जो आपने पहले मेंशन की थी? दार्शनिक बोलते हैं, हाँ, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम दूसरों की मदद की बात करते हैं तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि मदद विजिबल है या नहीं। युवा पूछते हैं, मदद विजिबल नहीं भी हो सकता है? दार्शनिक बोलते हैं, आप नहीं डिसाइड करते कि आपकी मदद काम आई है या नहीं, ये दूसरों लोगों का काम है और ये एक इश्यू है जिसमें आप इंटरवेन नहीं कर सकते। प्रिंसिपल में आपको पता भी नहीं चल सकता कि आपने सच में मदद की या नहीं। मतलब जब हम दूसरों की मदद कर रहे होते हैं तो मदद विजिबल होना ज़रूरी नहीं है, हमें बस सब्जेक्टिव सेंस चाहिए थी, मैं किसी काम का हूँ, यानी एक फीलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन। युवा बोलते हैं, रुको, अगर ऐसा है तो जो आप खुशी कह रहे हो वो। युवा को टोक कर दार्शनिक बोलते हैं, खुशी कंट्रीब्यूशन की फीलिंग है, ये ही खुशी का डेफिनेशन है। युवा थोड़ा कन्फ्यूज में रहता है और दार्शनिक बोलते हैं, कुछ प्रॉब्लम है? युवा बोलता है, ऐसे सिंपलिस्टिक डेफिनेशन को मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? देखिए, मैंने आपकी पहली बात नहीं भूली। आपने कहा था कि एक्ट्स के लेवल पे शायद कोई भी किसी का काम नहीं हो, पर बीइंग के लेवल पे हर इंसान का काम है। पर अगर ऐसा है तो आपके लॉजिक के हिसाब से सारे इंसान खुश हो सकते हैं। दार्शनिक बोलता है, सारे इंसान खुश हो सकते हैं, पर यह समझना ज़रूरी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इंसान खुश है, चाहे वो एक्ट्स के लेवल पे हो या बीइंग के लेवल पे। इंसान को यह फीलिंग होना चाहिए कि वो किसी काम का है, मतलब इंसान को कंट्रीब्यूशन की फीलिंग चाहिए जो उससे बताए कि मैं किसी काम का हूँ। और वह दूसरों से रिकॉग्निशन पाने की एक आसान तरीका ढूंढते हैं कंट्रीब्यूशन की फीलिंग पाने के लिए। युवा बोलते हैं, आप कह रहे हैं कि रिकॉग्निशन की डिज़ायर एक तरीका है कंट्रीब्यूशन की फीलिंग पाने का? दार्शनिक प्रश्न करते हैं, क्या ऐसा नहीं है? युवा बोलते, बिल्कुल नहीं, ये तो आपकी अब तक की सारी बातों का उल्टा है, क्योंकि रिकॉग्निशन पाना दूसरों से एक तरीका होना चाहिए कंट्रीब्यूशन के फीलिंग पाने का, है ना? और फिर आप कहते हैं खुशी कंट्रीब्यूशन की फीलिंग है। अगर ऐसा है तो रिकॉग्निशन की डिज़ायर को पूरा करना खुशी से डायरेक्टली लिंक होता है, है ना? आखिर में आपने रिकॉग्निशन की डिज़ायर की ज़रूरत को मान लिया। दार्शनिक बोलते हैं, आप एक इम्पॉर्टेंट इश्यू भूल रहे हैं। अगर कंट्रीब्यूशन की फीलिंग पाने का तरीका दूसरों से रिकॉग्निशन होना निकलता है तो लॉन्ग रन में इंसान को कोई चॉइस नहीं बचता कि वो दूसरों के विशेस के हिसाब से लाइफ चलाए। रिकॉग्निशन से मिली कंट्रीब्यूशन की फीलिंग में कोई फ्रीडम नहीं है। हम वो बींग्स हैं जो हैप्पीनेस के लिए एस्पायर करते हुए फ्रीडम चूज करते हैं। युवा पूछते हैं, तो अगर फ्रीडम है तभी खुशी हो सकता है? दार्शनिक बोलते हैं, हाँ, फ्रीडम एज एन इंस्टीट्यूशन, कंट्री, टाइम या कल्चर के हिसाब से अलग हो सकते हैं, पर इंटरपर्सनल रिलेशंस में फ्रीडम यूनिवर्सल है। युवा बोलते हैं, आप रिकॉग्निशन की डिज़ायर को कभी नहीं मानेंगे, है ना? दार्शनिक बोलते हैं, अगर इंसान को सच में कंट्रीब्यूशन की फीलिंग है तो उसे दूसरों से रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही रियल अवेयरनेस होगी कि मैं किसी काम का हूँ, बिना दूसरों से जानबूझकर एक्नॉलेज होने के। दूसरे शब्दों में, जो इंसान रिकॉग्निशन की डिज़ायर से ऑब्सेस्ड है उसे अभी तक कोई कम्युनिटी फीलिंग नहीं है, और उसने सेल्फ एक्सेप्टेंस, कॉन्फिडेंस इन अदर्स या कंट्रीब्यूशन टू अदर्स नहीं कर पाया। युवा बोलता है, तो अगर कम्युनिटी फीलिंग हो जाए तो रिकॉग्निशन की डिज़ायर गायब हो जाएगी? दार्शनिक बोलते हैं, हाँ, गायब हो जाएगी, दूसरों से रिकॉग्निशन की कोई ज़रूरत नहीं है। दार्शनिक का पॉइंट्स इस तरह से समझ सकते हैं, लोग अपनी कीमत का सच्चा अंदाज़ा तभी लगा सकते हैं जब वो महसूस कर सकते हैं कि मैं किसी काम का हूँ, लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऐसी वक्त को काम हम करते हुए उसका कोई दिखने वाला रूप हो या ना हो, बस किसी के लिए काम आने का एहसास होना चाहिए, मतलब कंट्रीब्यूशन की फीलिंग होना चाहिए। और फिर दार्शनिक इस नतीजे पर पहुँचते हैं, खुशी कंट्रीब्यूशन की फीलिंग है। इसमें कुछ सच्चाई ज़रूर थी, लेकिन क्या ये सारी बात है?
फिफ्थ नाइट का 8 पॉइंट, टू पैथ्स ट्रैवल बाय दोज वांटिंग टू बी स्पेशल बीइंग्स। युवा बोलते हैं, आपने अभी तक मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया, शायद मैं दूसरों के लिए कंट्रीब्यूशन करके अपने आप को पसंद करना सीख सकता हूँ, शायद मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं कुछ काम का हूँ, कि एक बार मैं बेकार चीज़ नहीं हूँ। लेकिन क्या यही सब कुछ है जो इंसान को खुश रखने के लिए चाहिए? इस दुनिया में आए हुए मैं सोचता हूँ कि जब तक मैं ऐसा बड़ा काम ना कर जाऊँ जिसके लिए आने वाली पीढ़ियों मुझे याद रखे, तब तक मैं अपने आप को मैं जो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ मैं हूँ के रूप में प्रूव ना कर लूँ, मैं कभी भी असली खुशी नहीं पा सकता। आप तो सब कुछ इंटरपर्सनल रिलेशंस के अंदर ही फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजिंग हैप्पीनेस के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अगर मुझसे पूछो तो ये सिर्फ भागम भाग है। दासनी बोलते हैं, मुझे ठीक से समझ नहीं आया कि आप सेल्फ रियलाइजिंग हैप्पीनेस से क्या साबित करते हैं, आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? युवा बोलते हैं, ये हर इंसान के लिए अलग है। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग सोसाइटी में सफल होना चाहते हैं और कुछ लोग ज़्यादा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, जैसे कि एक रिसर्चर जो एक चमत्कारी दावा बनाने की कोशिश करता है, या एक आर्टिस्ट जो अपने काम से खुश हो सके। दासनिक पूछते हैं, और आपके लिए ये क्या है? युवा बोलते हैं, मुझे अभी तक ठीक से पता नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कुछ तो करना है। मैं अपनी ज़िंदगी भर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में काम करके नहीं बिता सकता। जब मैं अपनी ज़िंदगी को समर्पित करने वाला एक सपना ढूंढ लूँगा और मैं सेल्फ रियलाइजेशन पा लूँगा, तभी मैं असली खुशी को अनुभव कर पाऊँगा। मेरा बाप ऐसा था जो दिन रात अपने काम में डूबा रहता था और मुझे पता नहीं है कि उसके लिए वो खुशी थी या नहीं। कम से कम मेरे नज़रिए से तो वो हमेशा व्यस्त रहता था और कभी खुश भी नहीं दिखता था। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। दासनी बोलता है, ठीक है, अगर आप इस बात को प्रॉब्लम बिहेवियर वाले बच्चों के एग्जाम्पल से चलो तो शायद आपको समझने में आसानी होगी। युवा पूछता है, प्रॉब्लम बिहेवियर? दासनिक बोलता है, हाँ, सबसे पहले हम इंसानों में एक यूनिवर्सल डिज़ायर होती है जो परसुइट ऑफ सुपीरियरिटी के नाम से जानी जाती है। क्या आपको हमारी ये बात याद है? युवा बोलता है, हाँ, सीधे शब्दों में ये एक टर्म है जो बेहतर होना चाहता है और एक आइडियल स्टेट की तरफ बढ़ना को दर्शाता है। युवा बोलता है, ठीक है, आगे बोलिए। दासनी बोलते हैं, हर हाल में, चाहे वो पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स हो, दोनों ही तरफ से अगर कोई भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स लाने हैं तो इंसान को कंस्टेंट एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे स्पेशली बैड बनने की कोशिश करते हैं, मतलब जो प्रॉब्लम बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं, वो दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ ऐसे हेल्दी एफर्ट से भागते रहते हैं। एडलेरियन साइकोलॉजी में इसको परसुइट ऑफ इजी सुपीरियरिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे वो प्रॉब्लम चाइल्ड जो जोर से बात करता है और लेशन डिसराप्ट करता है, उसको तो अपने दोस्तों और टीचर्स का ध्यान ज़रूर मिलेगा, चाहे वो सिर्फ उसी जगह तक ही सीमित हो, लेकिन शायद वो एक स्पेशल बीइंग बन जाएगा। लेकिन ये परसुइट ऑफ इजी सुपीरियरिटी है और ये एक अनहेल्दी एटीट्यूड भी है। युवा पूछते हैं, तो जो बच्चे डिलिक्वेंट एक्ट्स करते हैं वो भी परसुइट ऑफ इजी सुपीरियरिटी में इन्वॉल्व होते हैं? दासनी बोलते हैं, हाँ, वो भी होते हैं। सभी तरह के प्रॉब्लम बिहेवियर, चाहे वो स्कूल जाने से इनकार करना हो या रिस्ट कटिंग करना हो या अंडर गेज ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करना हो, और ऐसे ही ये सब परसुइट ऑफ इजी सुपीरियरिटी के फॉर्म्स हैं। और आपका वो सट इन दोस्त जिसके बारे में आपने शुरू में मुझे बताया था, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। जब एक बच्चा प्रॉब्लम बिहेवियर में इंगेज होता है तो उसके पेरेंट्स और दूसरे एडल्ट्स उसको डांटते हैं। डांटा जाना सबसे ज़्यादा बच्चा पर स्ट्रेस डालता है, लेकिन चाहे वो डांट के रूप में ही क्यों ना हो, बच्चे अपने पेरेंट्स का ध्यान चाहता है, वो एक स्पेशल बीइंग बनना चाहता है और उसको ध्यान के रूप नहीं फ़र्क पड़ता। तो एक सेंस में ये तो सिर्फ नेचुरल है कि वो प्रॉब्लम बिहेवियर में एंगेज करना नहीं चाहता, चाहे उसको कितना भी जोर से डांटा जाए। युवा पूछता है, तो उनकी डांटने की वजह से ही वो प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं छोड़ता?
दार्शनिक बोलते हैं बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट्स और दूसरे एडल्ट्स उसको डांट कर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। युवा पूछता है, लेकिन पहले तो आपने प्रॉब्लम बिहेवियर का गोल रिवेंज ऑन द पेरेंट्स कहकर बताया था, है ना? क्या ये उससे किसी तरह से कनेक्ट होता है? दार्शनिक बोलते हैं हाँ, रिवेंज और परसुइट ऑफ इजी सुपीरियरिटी आसानी से लिंक हो जाते हैं। एक दूसरे इंसान को परेशान करता है और साथ ही साथ स्पेशल बनना चाहता है। फिफ्थ नाइट का नाइन्थ पॉइंट, द करेज टू बी नॉर्मल। युवा पूछते हैं, लेकिन कैसे? सभी इंसान स्पेशली गुड या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं बन सकते, है ना? चाहे जो भी हो, लोगों में अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है और हमेशा डिफरेंसेस रहेंगे। दुनिया में सिर्फ कुछ ही जीनियस है और हर कोई ऑनर स्टूडेंट बनने के लिए नहीं बना है, तो सभी लूजर्स के लिए स्पेशली बैड बनने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। दार्शनिक बोलते हैं हाँ, ये वो सोक्रेटिक पैराडॉक्स है कि कोई भी एविल चाहता नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम बिहेवियर में एंगेज होने वाला बच्चों के लिए वायलेंट एक्ट और थेफ्ट भी गुड की अकॉम्प्लिशमेंट हैं। युवा बोलते हैं, लेकिन ये तो भयानक है, ये एक ऐसी लाइन ऑफ रीजनिंग है जिसमें कोई रास्ता नहीं है। दार्शनिक बोलते हैं, एडलेरियन साइकोलॉजी इस वक्त पर ये वर्ड्स एम्फसाइज करती है, द करेज टू बी नॉर्मल। युवा पूछता है, द करेज टू बी नॉर्मल? दार्शनिक बोलते हैं, स्पेशल होना ज़रूरी क्यों है? शायद इसीलिए क्योंकि इंसान अपना नॉर्मल सेल्फ एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और यही वजह है कि जब स्पेशली गुड बनना एक लॉस्ट कॉज बन जाता है, तो इंसान स्पेशली बैड बनने की तरफ ऑपोजिट एक्सट्रीम का ह्यूज लीप करता है। लेकिन नॉर्मल होना, ऑर्डिनरी होना सच में इतनी बुरी बात है क्या? क्या ये कुछ इन्फीरियर है, या फिर असल में क्या सभी नॉर्मल नहीं है? इस बात को लॉजिकल कंक्लूजन तक सोचना ज़रूरी है। युवा बोलता है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं नॉर्मल बन जाऊं? दार्शनिक बोलता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस वाइटल फास्ट स्टेप है। अगर आप द करेज टू बी नॉर्मल रख सकते हैं, तो आपका दुनिया को देखने का तरीका ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा। युवा बोलता है, लेकिन दार्शनिक उन्हें टोक कर बोलते हैं, आप शायद नॉर्मेलिटी को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप नॉर्मल होना और इनकैपेबल होना एक समझ रहे हैं। नॉर्मल होना इनकैपेबल होना नहीं है। इंसान को अपनी सुपीरियरिटी फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है। युवा बोलते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि स्पेशल होने की कोशिश करने में डेंजर है, लेकिन क्या इंसान को कॉन्शियसली नॉर्मल होना चाहिए? अगर मैं इस दुनिया में एकदम बोरिंग तरीके से अपने टाइम गुजारूँ, अगर मैं एक पॉइंटलेस लाइफ जीऊँ जिसमें मेरी एग्जिस्टेंस का कोई रिकॉर्ड या मेमोरी ना हो, तो क्या मैं अपनी हालात से सेटिस्फाइड रह लूँ? मैं ऐसी ज़िंदगी एक सेकंड में छोड़ दूंगा। दार्शनिक बोलते हैं, आप चाहते हैं कि आप स्पेशल बनो चाहे जो भी हो, है ना? युवा बोलते हैं, नहीं, देखिए, जो आप नॉर्मल कहते हैं उसको एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है कि मैं अपना आइडियल सेल्फ अफर्म करूँ। यह सिर्फ ये कहना होता है कि ये सब मैं कर सकता हूँ और ये ठीक है। मैं ऐसे आइडियल वे ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपको लगता है कि नेपोलियन या अलेक्जेंडर द ग्रेट या आइंस्टाइन या मार्टिन लूथर किंग ने नॉर्मल लाइफ एक्सेप्ट किया था? और सोक्रेटिस और प्लेटो के बारे में क्या? नो चांस। शायद उन सब ने अपनी ज़िंदगी एक ग्रेट आइडियल या ऑब्जेक्टिव की तरह लेकर जीती थी। आपकी लाइन ऑफ रीजनिंग से तो कभी और एक नेपोलियन नहीं निकल सकता। अब दुनिया से जीनियस को मिटाना चाहते हैं। दार्शनिक पूछ रहे हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में लॉफ्टी गोल्स की ज़रूरत होती है? युवा बोलते हैं, लेकिन ये तो ऑब्वियस है। नॉर्मल होने का हिम्मत क्या बुरा बात है? क्या एडलर और ये दार्शनिक मुझे ऐसा रास्ता चुनने को कह रहे हैं? क्या मैं अपनी ज़िंदगी बस एक और आम इंसान की तरह गुजारूँ जो किसी को दिखता ही नहीं है? मैं कोई जीनियस तो नहीं हूँ, और ये मैं जानता हूँ। शायद नॉर्मल ही मेरा एक ऑप्शन है। शायद मुझे अपने आधे से आधे काम खुद को ही मान लेना पड़ेगा, लेकिन मैं लड़ूंगा। जो भी हो, मैं इस आदमी से आखिरी सांस तक लड़ूंगा। लगता है हमारे बातचीत के गर्म मसाले आ गए। युवा का दिल तेज़ धड़क रहा था और सर्दी के बावजूद उसके कसमे हुए हाथ पसीने से चमक रहे थे। फिफ्थ नाइट का टेंथ पॉइंट, लाइफ इज ए सीरियस ऑफ मोमेंट्स। दार्शनिक बोलते हैं, अच्छा, जब आप ऊंचे लक्ष्य की बात करते हैं
तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में कुछ ऐसा तस्वीर आता है जैसे कि एक पहाड़ चढ़ने वाला जो शिखर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। युवा बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, लोग मुझमें से एक पहाड़ के शिखर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दासनी बोलते हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी पहाड़ चढ़ना ही होती, शिखर तक पहुंचने के लिए तो ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा रास्ते में ही ख़त्म हो जाता। मतलब यह है कि एक असली ज़िंदगी तब शुरू होती है जब वो पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है, और उससे पहले जो दूरी तय की है वो एक आशंका ज़िंदगी है जो एक आशंका मैंने जीता है। युवा बोलते हैं, हाँ ये भी एक तरीका है समझने का। अब मैं जैसा हूँ मैं ज़रूर एक रास्ते में वाला इंसान हूँ। दासनी बोलते हैं, अब मान लीजिए कि आप शिखर तक नहीं पहुँच पाते तो इसका मतलब क्या होगा आपकी ज़िंदगी के लिए? हादसा और बीमारी और ऐसी चीज़ें तो होती रहती है, लोग हमेशा शिखर तक नहीं पहुँच पाते और पहाड़ चढ़ना भी बहुत मुश्किल है और अक्सर नाकामियों में ख़त्म होता है। तो एक की ज़िंदगी रास्ते में ही रुक जाती है। बस ये आशंका, मैंने एक आशंका जिंदगी जीता है, ऐसी ज़िंदगी कैसी होगी? युवा बोलता है, ये तो अपने अनजान का फल है। तो मुझमें एबिलिटी नहीं थी या मुझमें फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं थी पहाड़ चढ़ने के लिए, या मेरा लक सही नहीं था, या मुझमें स्किल नहीं था। ये एक हकीकत है जिसको मैं मान लेने के लिए तैयार हूँ। दासनी बोलते हैं, एडलेरियन साइकोलॉजी का एक अलग नज़रिया है। जो लोग ज़िंदगी को पहाड़ चढ़ने जैसा समझते हैं वो अपने अस्तित्व को लाइन की तरह देखते हैं, जैसे कि एक लाइन है जो उस पल से शुरू होती है जब एक दुनिया में आता है और फिर हर तरह के काब्स के साथ चलती है जब तक शिखर तक पहुंचती है, और फिर आखिर में यानी अंत में अपना अंतर कर देती है जो मौत है। ये सोच जो ज़िंदगी को एक कहानी की तरह देखती है, ये फ्रॉडियन आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसी सोच है जो ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा को रास्ते में ही रहने देती है। युवा पूछते हैं, तो आपकी ज़िंदगी का तस्वीर क्या है? दार्शनिक बोलता है, उसे लाइन की तरह मत देखो, ज़िंदगी को एक सीरीज ऑफ डॉट्स की तरह समझो। अगर आप एक चौक से बनी सॉलिड लाइन को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो तो आपको पता चलेगा कि जो आपको लाइन दिख रही थी वो एक्चुअली एक सीरीज ऑफ स्मॉल डॉट्स है। मतलब ये कि ज़िंदगी एक सीरीज ऑफ मोमेंट्स है। युवा पूछते हैं, सीरीज ऑफ मोमेंट्स वो क्या है? दासनी बोलते हैं, हाँ ये एक सीरीज ऑफ मोमेंट्स है जो अभी यानी नाउ कहते हैं। हम सिर्फ यहाँ और अभी में ही जीते हैं, हमारी ज़िंदगी सिर्फ मोमेंट्स में ही होती है। जो बड़े लोग ये नहीं जानते हैं वो कन्वेंशनल ट्रैक्स पर रहने को यंग लोगों को थोपते हैं और बोलते हैं, अच्छा यूनिवर्सिटी, बड़ा कंपनी, स्टेबल घर, ये सब हैप्पी लाइफ होती है उनके लिए। लेकिन ज़िंदगी के लाइन या ऐसी कोई चीज़ से नहीं बनी है। युवा बोलते हैं, तो लाइफ प्लानिंग या कैरियर प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है? दासनी बोलते हैं, अगर ज़िंदगी लाइन होती तो लाइफ प्लानिंग हो सकती, लेकिन हमारी ज़िंदगी सिर्फ एक सीरीज ऑफ डॉट्स है। एक वेल प्लान्ड लाइफ को ज़रूरी या अनज़रूरी कहने की बात नहीं है क्योंकि ये तो नामुमकिन है। युवा बोलते हैं, अरे क्या बकवास वाली बात कह रहे हो। फिफ्थ नाइट का 11th पॉइंट, लीव लाइक यू आर डांसिंग। दासनी पूछते हैं, इसमें क्या बुराई है? युवा बोलते हैं, आपकी आर्ग्यूमेंट ना सिर्फ ज़िंदगी में प्लानिंग करने को इनकार करती है बल्कि मेहनत करने को भी इनकार करती है। जैसे एक ऐसी ज़िंदगी का मिसाल लीजिए जिसमें किसी ने बचपन से ही वायलिनिस्ट बनने की सपना देखा है और सालों की सख्त ट्रेनिंग के बाद अंत में एक मशहूर ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बन गया है। ये एक और ज़िंदगी जिसमें गहरी पढ़ाई करने के बाद एग्जामिनेशन पास किया और लॉयर बन गया। इन दोनों ज़िंदगियों में से कोई भी ज़िंदगी बिना मकसद और प्लानिंग के मुमकिन नहीं है। दासनी बोलते हैं, मतलब ये कि पहाड़ चढ़ने वाले की तरह जो शिखर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं वो अपने रास्ते पर लगे रहते हैं? युवा बोलते हैं, बिल्कुल। दासनी बोलते हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या ये सच नहीं है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी के हर पल को यहाँ और अभी में जीते हैं? मतलब ये कि ज़िंदगी को रास्ते में रहने के बजाय वो हमेशा यहाँ और अभी में रहते हैं। जैसे वो शख्स वायलिनिस्ट बनने का सपना देखता था, वो हमेशा म्यूज़िक के पीसेस दिखता था और हर पीस पर वो हर एक मेज़्योर और नोट पर ध्यान देता था। युवा पूछते हैं, क्या इस तरह से वो अपनी मकसद तक पहुंच पाते? दासनी बोलते हैं, इस तरह से सोचिए, ज़िंदगी एक सीरीज ऑफ मोमेंट्स है जिसमें हम अभी यानी नाउ के पल पर जैसे डांस करते हैं वैसे ही हर गुजरते पल आसपास घूमते हैं।
और जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें पता चलता है और लगता है मैं इतना दूर आ गया हूँ। उनमें से जो वायलिन का डांस करता है, कुछ लोग अपने रास्ते पर बने रहते हैं और प्रोफेशनल म्यूजिशियन बन जाते हैं। उनमें से जो बार एग्जांपल का डांस करता है, वो लोग लॉयर्स बन जाते हैं। कुछ लोग लिखने का डांस करते हैं और वो ऑथर बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा भी होता है कि लोग बिल्कुल अलग जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी ज़िंदगी रास्ते में नहीं रुकी। बस यही काफ़ी है अगर हम अपने यहाँ और अभी के डांस में खुश रहते हैं। युवा पूछते हैं, बस यही काफ़ी है अगर हम अभी में डांस कर सकते हैं? दासनी बोलते हैं, हाँ, डांस में तो डांस ही मकसद होता है और किसी को इससे कोई मतलब नहीं होता कि इससे कहीं पहुंचाया जाए। बिल्कुल हो सकता है कि डांस करने से नतीजे में कहीं पहुंच जाए, क्योंकि डांस तो कर रहे हैं, वो एक जगह पर नहीं रहते, लेकिन इसका कोई मंजिल भी नहीं होता। युवा बोलते हैं, एक मंजिल के बिना ज़िंदगी, ऐसा कभी सुना है? कौन मानेगा ऐसी अस्थिर ज़िंदगी को, जो जैसे हवा चले वैसा ही झुके। दासनी बोलता है, आप जैसी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं जो मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसे किनेटिक ज़िंदगी कह सकते हैं। इसका उल्टा मैं जो डांस वाली ज़िंदगी की बात कर रहा हूं, उसे एनर्जियल ज़िंदगी कह सकते हैं। युवा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, किनेटिक एनर्जियल ये क्या चीज़ है? दासनी बोलता है, चलिए एरिस्टोटल की समझाने वाली बात सुनते हैं। आम गति जो किनेसिस कहते हैं, उसमें एक शुरुआत का पॉइंट और एक अंत का पॉइंट होता है। शुरुआत से अंत तक पहुंचने की गलती तभी बेहतरीन होती है जब वो जितना जल्दी और जितना आसान हो सके उतना हो। अगर एक्सप्रेस ट्रेन मिल जाए तो लोकल ट्रेन को जो हर स्टेशन पर रुकती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। युवा बोलता है, मतलब ये कि अगर मंजिल लॉयर बनना है तो जितना जल्दी और जितना आसान हो सके उतना बेहतर है। दासनी बोलते हैं, हाँ, और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता उस हिसाब से कि मकसद अभी तक हासिल नहीं हुआ, अधूरा है, ये किनेटिक ज़िंदगी है। युवा पूछता है, क्योंकि ये आधा है इसीलिए? दासनी बोलते हैं, बिल्कुल, तरफ एनर्जी एक ऐसी ज़िंदगी है जिसमें जो अभी बनता है वो ही बन गया है। युवा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, जो अभी बनता है वही बन जाता है, इसका मतलब क्या है? दासनी बोलता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि गति जिसमें प्रोसेस ही आउटकम के तौर पर लिए जाते हैं, डांस ऐसा ही है और सफ़र भी। युवा बोलते हैं, अरे मैं तो कंफ्यूज हो गया, ये सफ़र क्या क्या चक्कर है? दासनी बोलता है, सफ़र करने का मकसद क्या होता है? मान लीजिए आप इजिप्ट जा रहे हैं, क्या आप ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा तक जितना जल्दी और जितना आसान हो सके उतना पहुंचने की कोशिश करेंगे और फिर सीधा घर लौटने के लिए सबसे छोटा रास्ता ही लेंगे? इसको सफ़र नहीं कहते। आपका सफ़र तभी शुरू होना चाहिए जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, और मंजिल तक पहुंचने के रास्ते के हर पल सफ़र होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि आप पिरामिड तक ना पहुँच पाएँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सफ़र नहीं किया, ये एनर्जियल ज़िंदगी है। युवा बोलते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर एनर्जियल ज़िंदगी को पहाड़ चढ़ने से कंपेयर करें तो आप तो शिखर तक पहुंचने वाले मकसद के वैल्यू सिस्टम को रिफ्यूट कर रहे हो। दासनी बोलते हैं, अगर पहाड़ चढ़ने का मकसद शिखर तक पहुंचने में ही होता है तो ये एक किनेटिक काम होता। इससे ज़्यादा एक्सट्रीम ले लीजिए, अगर आप हेलीकॉप्टर से शिखर तक जाए, वहाँ 5 मिनट या उससे कम रुके और फिर हेलीकॉप्टर से वापस आ जाए, इसे तो कोई पहाड़ चढ़ना नहीं कहते। लेकिन अगर मकसद पहाड़ चढ़ना ही हो और शिखर तक पहुंचना ही है तो ये एनर्जियल हो सकता है। इस केस में अंत में फ़र्क नहीं पड़ता कि शिखर तक पहुंचा या नहीं। युवा बोलते हैं, ऐसी बात तो बिल्कुल बकवास है, आप तो खुद ही अपने तर्क में उलझ गए हैं। पूरी दुनिया के सामने अपने चेहरे मत खराब कीजिए, मैं आपकी बेशर्मी वाली बकवास को एक बार में काट देता हूँ। दासनी बोलते हैं, अच्छा, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत मेहरबानी होगी। फिफ्थ नाइट का 12th पॉइंट, साइन ए लाइट ऑन द हियर एंड नाउ। युवा बोलते हैं, देखिए, आपने इटियोलॉजी को रिफ्यूट करते हुए अपने पास्ट पर ध्यान देने को रिजेक्ट किया। आपने कहा था कि पास्ट नहीं है और उसका कोई मतलब भी नहीं है। मैं इन बातों से सहमत हूँ। ये सच है कि हम पास्ट को नहीं बदल सकते, अगर कुछ बदल सकते हैं तो वो फ्यूचर है। लेकिन अब आप एनर्जियल तरह से जीने की बात करके आप प्लानिंग को रिफ्यूट कर रहे हैं।
मतलब ये कि आप अपने फ्यूचर को अपनी मर्जी से बदलने को रिफ्यूट कर रहे हैं। तो जब आप पीछे देखने को रिजेक्ट करते हैं तो आप आगे देखने को भी रिजेक्ट करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे ये कह रहे हैं कि बस पट्टी बांध के एक रास्ता ना होने वाले रास्ते पर चले जाओ। दासनी बोलते हैं, आप पीछे भी नहीं देख सकते और आगे भी नहीं, आपका यही मानना है? युवा बोलते हैं, हाँ बिल्कुल नहीं देख सकता। दासनी बोलते हैं, ये तो नेचुरली है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? युवा बोलते हैं, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? दासनी बोलते हैं, सोचिए कि आप एक थिएटर स्टेज पर खड़े हैं, अगर हॉल के लाइट्स ऑन है तो शायद आप हॉल के पीछे तक देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ब्राइट स्पॉटलाइट के नीचे हैं तो आप शायद फ्रंट के रो भी नहीं देख पाएंगे। हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम अपनी पूरी ज़िंदगी पर एक डीम लाइट डालते हैं तब हम पास्ट और फ्यूचर दोनों को देख सकते हैं, या हमें लगता है कि हम देख सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ और अभी पर एक ब्राइट स्पॉटलाइट डालते हैं तो हम पास्ट या फ्यूचर दोनों को नहीं देख पाएंगे। युवा बोलते हैं, ब्राइट स्पॉटलाइट का मतलब क्या है? दासनी बोलते हैं, हाँ हम सिर्फ यहाँ और अभी में ही ज़्यादा ईमानदारी से जीना चाहिए। ये जो आपको लगता है कि आप पास्ट को देख सकते हैं या फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यह इस बात का सबूत है कि आप यहाँ और अभी में ईमानदारी से जीने की बजाय एक डीम अंधेरे में जीते हैं। ज़िंदगी एक सीरीज ऑफ मोमेंट्स है और ना ही पास्ट है और ना ही फ्यूचर। आप अपने लिए एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं पास्ट और फ्यूचर पर ध्यान देकर। पास्ट में जो हुआ है उसका आपसे यहाँ और अभी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप यहाँ और अभी में ईमानदारी से जीते हैं तो आपको इन चीज़ों से कोई फिक्र नहीं होगी। युवा बोलते हैं, लेकिन दासनिक उन्हें टोक कर बोलते हैं, जब कोई फ्रॉडियन आइडियोलॉजी का नज़ारा अपनाता है तो वो ज़िंदगी को एक बड़ी सी कहानी समझता है जो कारण और असर पर बेस्ड होती है। तो फिर बात यह होती है कि मैं कहाँ और कब पैदा हुआ, मेरा बचपन कैसा था, मैंने कौन सा स्कूल ज्वाइन किया और कौन सी कंपनी में नौकरी मिली, और ये डिसाइड करता है कि मैं अभी कौन हूँ और मैं कौन बनूँगा। बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को एक कहानी समझना शायद इंटरटेनिंग कम हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हम उस कहानी के अंत में जो डिमनेस देखते हैं उसे देख सकते हैं, और फिर हम वैसी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं जो उस कहानी के हिसाब से हो, और फिर हम कहते हैं मेरी ज़िंदगी ऐसी ऐसी है तो मुझे इस तरह से जीने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, ये मेरी वजह से नहीं है, ये मेरा पास्ट है, ये एनवायरनमेंट है। लेकिन पास्ट को यहाँ लाना सिर्फ एक रास्ता है, एक लाइफ लाइन। लेकिन ज़िंदगी एक सीरीज ऑफ डॉट्स है, एक सीरीज ऑफ मोमेंट्स। अगर आप ये समझ सकते हैं तो आपको कोई कहानी की ज़रूरत नहीं होगी। युवा बोलते हैं, अगर आप ऐसा कहते हैं तो एडलर जो लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं वो भी एक कहानी है। दासनी बोलते हैं, लाइफस्टाइल यहाँ और अभी के बारे में है, और ये कुछ ऐसा है जो हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, जो पास्ट की ज़िंदगी को एक सीधी लाइन की तरह लगती है। वो आपको इसीलिए लगती है क्योंकि आप लगातार फैसला करते रहते हैं कि नहीं बदलेंगे। जो ज़िंदगी आपके सामने है वो एक बिल्कुल ब्लैंक पेज है, और आपके लिए कोई ट्रैक्स नहीं बने हैं जिसमें आप फ्लो करें, वहाँ कोई कहानी नहीं है। युवा बोलते हैं, लेकिन ये तो बस पल पल जीना है। दासनी बोलते हैं, नहीं, यहाँ और अभी पर एक स्पॉटलाइट डालना ये है कि हम अभी जो कर सकते हैं वो ईमानदारी और जिम्मेदारी से करें। फिफ्थ नाइट का 13th पॉइंट, द ग्रेटेस्ट लाइफ लाई। युवा पूछते हैं, ईमानदारी और जिम्मेदारी से जीना का मतलब क्या है? दासनी बोलते हैं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है लेकिन पढ़ाई करने की कोशिश नहीं करता, ये यहाँ और अभी में ईमानदारी से ना जीने का तरीका है। शायद एंट्रेंस एग्जामिनेशन अभी दूर है, शायद कोई नहीं जानता कि क्या पढ़ना है या कितना पढ़ना है, और पढ़ाई करना मुश्किल लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके तो हो सकता है। हर दिन कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले सॉल्व कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स याद कर सकते हैं, छोटा मोटा डांस कर सकते हैं। आपको ज़रूर एहसास होगा कि मैंने आज ये किया, ये आज एक दिन है जो इसके लिए था। साफ है आज दूर के फ्यूचर में होने वाला एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, और शायद आपके पिताजी के साथ भी यही बात लगती है। शायद वो अपने रोज़मर्रा के काम का डांस ईमानदारी से करते थे, वो यहाँ और अभी में ईमानदारी से जीते थे।
बिना किसी बड़े मकसद या उससे हासिल करने की ज़रूरत के। और अगर ऐसा ही था तो लगता है कि आपके पिताजी की ज़िंदगी एक खुशहाल ज़िंदगी थी। युवा बोलते हैं, क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं उस तरह से जीने को मानूं, कि मैं अपने पिताजी की हमेशा काम भरी ज़िंदगी को एक्सेप्ट करूं? दासानी बोलते हैं, आपको खुद को मानने की ज़रूरत नहीं है, बस उस जगह पे उसकी ज़िंदगी को एक लाइन के तौर पर देखने के बजाय वो कैसे जीते थे उनकी ज़िंदगी के पल देखिए। युवा बोलते हैं, पल? दासानी बोलते हैं, और आपकी ज़िंदगी के साथ भी यही बात हो सकती है। आप दूर के फ्यूचर के लिए मकसद बनाते हैं और अभी को अपना तैयारी के दौर समझते हैं। आप सोचते हैं, मैं सच में ये करना चाहता हूँ और मैं जब टाइम आएगा तब करूँगा। ये एक तरह से ज़िंदगी को टालने का तरीका है। जब तक हम ज़िंदगी को टालते रहते हैं, हम कभी कहीं नहीं जा सकते और अपने दिन सिर्फ एक बाद एक फुल मोनोटोनी में गुजारते रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ और अभी को सिर्फ तैयारी के दौर एक पेशेंस का वक्त समझते हैं। लेकिन एक यहाँ और अभी जिसमें कोई दूर के फ्यूचर में होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है, जैसे कोई असली चीज़ है। युवा बोलते हैं, अच्छा मैं मान लेता हूँ, मैं ज़रूर मान सकता हूँ यहाँ और अभी में ईमानदारी से जीने को और कोई बनाई हुई लाइन नहीं बनाने को। लेकिन मेरे पास अपनी ज़िंदगी में कोई सपना या मकसद नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कौन सा डांस करूँ। मेरा यहाँ और अभी तो बस बिल्कुल बेकार पल ही है। दासनी बोलते हैं, मकसद या ऐसी कोई चीज़ ना होना भी ठीक है। यहाँ और अभी में ईमानदारी से जीना ही एक डांस है। ज़्यादा सीरियस मत हो जाओ। ईमानदारी से जीने और ज़्यादा सीरियस होने में फ़र्क होता है। युवा बोलते हैं, ईमानदारी रहो लेकिन ज़्यादा सीरियस मत हो, ये कैसी बात है? दासनी बोलते हैं, बिल्कुल, ज़िंदगी हमेशा सिंपल होती है, इसे ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम हर पल ईमानदारी से जीते हैं तो हमें ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और जो मैं आपको याद रखने को कहना चाहता हूँ, जब कोई इनर्जियल नज़रिए अपनाता है तो ज़िंदगी हमेशा पूरी होती है। युवा पूछते हैं, पूरी? दासनी बोलते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी या मेरी यहाँ और अभी ख़त्म हो जाए तो हमें इन्हें अनहैप्पी करने का हक नहीं है। जो ज़िंदगी 20 साल की उम्र में ख़त्म होती है और जो ज़िंदगी 90 साल की उम्र में ख़त्म होती है, दोनों ही पूरी ज़िंदगी है और खुशहाल ज़िंदगी है। युवा पूछते हैं, तो अगर मैं यहाँ और अभी में ईमानदारी से जीता हूँ तो वो पल हमेशा पूरी होंगे? दासनी बोलते हैं, बिल्कुल। अब मैंने हमारी बातचीत में बार बार लाइफ लाए शब्द का इस्तेमाल किया। मैं इसे ख़त्म करने से पहले सबसे बड़ा लाइफ लाए के बारे में बात करना चाहता हूँ। युवा बोलते हैं, ज़रूर कीजिए। दासनी बोलते हैं, सबसे बड़ा लाइफ लाई यह है कि यहाँ और अभी में ना जीना, ये पास्ट और फ्यूचर को देखना है, अपनी पूरी ज़िंदगी पर डीम लाइट डालना है और ये मानना है कि हमने कुछ देख लिया। अब तक आपने यहाँ और अभी से मुंह मोड़ लिया था और सिर्फ बनाई हुई पास्ट और फ्यूचर्स पर लाइट डाली थी। आपने अपनी ज़िंदगी से, इन बेमिसाल पलों से एक बड़ा झूठ बोला था। युवा बोलते हैं, अच्छा ठीक है। दासनी बोलते हैं, तो लाइफ को छोड़ दो और यहाँ और अभी पर बेडर एक ब्राइट स्पॉटलाइट डालो और ये आप कर सकते हो। युवा बोलते हैं, ये तो मैं कर सकता हूँ ना, तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं ये इस पलों को ईमानदारी से जी सकूँ बिना किसी झूठी ज़िंदगी के सहारे? दासनी बोलते हैं, जब ना तो कल है और ना ही परसों, तो बात करते हैं अभी की, और ये ना तो कल डिसाइड करता है और ना ही परसों, ये यहाँ और अभी है। फिफ्थ नाइट का 14th एंड द लास्ट पॉइंट, गिव मीनिंग टू सीमिंगली मीनिंगलेस लाइफ। युवा पूछते हैं, आप क्या बोल रहे हो, ज़रा क्लियर करके बोलेंगे? दासनी बोलते हैं, मुझे लगता है कि ये बातचीत अब पानी के किनारे पहुँच गया है। पानी पीना है या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। युवा बोलते हैं, अरे शायद एडलेरियन साइकोलॉजी और आपका फिलॉसफी मुझे बदल रहा है। शायद मैं अपने रिजॉल्व को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नहीं बदलूँगा और एक नया तरीका चुन रहा हूँ, एक नया लाइफस्टाइल। पर रुको, एक आखिरी बात पूछना चाहता हूँ। दासनी बोलते हैं, और वो क्या है? युवा बोलते हैं, जब ज़िंदगी को एक सीरीज ऑफ मोमेंट्स के रूप में लिया जाता है जो सिर्फ यहाँ और अभी एग्जिस्ट करता है, तो उसका क्या मतलब हो सकता है? मैं किसी के लिए पैदा हुआ और किसी के लिए मैं इस ज़िंदगी का
कठिनाइयों के सामना कर रहा हूँ जब तक कि मैं अपनी आखिरी सांस ले लूँ। इस सब का पॉइंट मुझे समझ में नहीं आता। दासन ही बोलते हैं, जिंदगी का मतलब क्या है, लोग किसके लिए जीते हैं। जब किसी ने यह सवाल एडलर से पूछा तो उसने बताया था, जिंदगी इन जनरल का कोई मतलब नहीं है। अब यूथ कन्फ्यूज होकर पूछते हैं, मतलब जिंदगी मीनिंगलेस है। दासन ही बोलते हैं, हम जिस दुनिया में रहते हैं उनमें हर तरह के भयानक घटनाएं होती रहती है और हम वार और अपने नेचुरल डिजास्टर के नशों में एग्जिस्ट करते हैं। जब वार के हालात में बच्चे मरने की सामना करते हैं तो हम जिंदगी का मतलब के बारे में कैसे बोल सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जिंदगी के बारे में जनरलाइजेशंस करके बात करना कोई मतलब नहीं रखता, पर ऐसे समझ से बाहर के ट्रेजिडीज का सामना करके भी कोई एक्शन नहीं लेना या फिर उन्हें अफाम करने के बराबर है। चाहे जो भी हालात हो, हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। युवा बोलते हैं, हाँ। दासन ही बोलते हैं, अब मान लो कि बड़ा नेचुरल डिजास्टर हो जाता है और आपका रिस्पॉन्स ये है कि आप पास्ट में देखकर एक इटियोलॉजिकल तरीके से बोलते हैं, ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या मतलब होगा। ऐसे कठिन सिचुएशन में एक मौका होना चाहिए कि आप आगे देखकर सोचो, मैं अब से क्या कर रहा हूँ। युवा बोलता है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दासन ही बोलते हैं, और एडलर जिसने बोला था जिंदगी इन जनरल का कोई मतलब नहीं है, उसके बाद उन्होंने आगे बोला था, जो भी मतलब जिंदगी का है उसे इंडिविजुअल को असाइन करना पड़ेगा। युवा पूछता है, इंडिविजुअल को असाइन करना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है। दासनिक बोलते हैं, वार के टाइम मेरे दादाजी को फायर बॉम्ब लगा और उनका चेहरा बहुत जल गया हर तरह से। ये एक भयानक घटना थी, उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन था। वो एक ऐसा लाइफ स्टाइल चुने जिसका पर्सपेक्टिव से दुनिया एक हॉरिबल प्लेस है या लोग मेरे दुश्मन हैं। पर जब मेरे दादाजी हॉस्पिटल जाने के लिए ट्रेन में बैठते थे तो हमेशा कुछ और पैसेंजर्स उनके लिए अपनी सीट छोड़ देते थे। ये मैंने अपनी माँ से सुनी है, तो मुझे नहीं पता है कि उन्हें कैसा लगा, पर यह मैं मानता हूँ मेरा दादाजी ने एक ऐसा लाइफस्टाइल चुना जिसके पर्सपेक्टिव से लोग मेरे कॉमरेड्स हैं और दुनिया एक वंडरफुल प्लेस है। यही वो बात है जिसको एडलर कहता है कि जो भी मतलब ज़िंदगी का है उसे इंडिविजुअल को असाइन करना पड़ेगा। तो ज़िंदगी इन जनरल का कोई मतलब नहीं है, पर आप अपनी ज़िंदगी को मतलब दे सकते हैं। युवा बोलते हैं, तो मुझे बताओ मैं एक मीनिंगलेस ज़िंदगी को कैसे प्रॉपर मतलब दे सकता हूँ, मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। दासनी बोलते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में खोए हुए हो। आप क्यों खोए हुए हो? आप खोए हुए हो क्योंकि आप फ्रीडम चुनने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि एक ऐसा रास्ता जिस पर आपको दूसरों से नफरत करने का डर नहीं है और आप दूसरों की ज़िंदगी से जीते हो, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ आपका है। युवा बोलते हैं, सही है, मैं हैप्पीनेस चुनना चाहता हूँ और फ्रीडम चुनना चाहता हूँ। दासनी बोलते हैं, जब कोई फ्रीडम चुनने की कोशिश करता है तो ये नेचुरल है कि वो अपना रास्ता खो देगा या खो सकता है। इस मोड पर एडलेरियन साइकोलॉजी एक गाइडिंग स्टार को एक ग्राउंड कॉम्पस के रूप में दिखाती है जो फ्रीडम की ज़िंदगी की तरफ इशारा करती है। युवा बोलते हैं, एक गाइडिंग स्टार, इसका मतलब क्या है। दासनी बोलते हैं, जैसे ट्रैवलर नॉर्थ स्टार पर डिपेंड करता है, हमारी ज़िंदगी में भी एक गाइडिंग स्टार की ज़रूरत है। ये एडलेरियन साइकोलॉजी का तरीका है सोचने का। ये एक एक्सपेंसिव आइडियल है जो कहता है, जब तक हम इस कॉम्पास को नहीं खोते और इस डायरेक्शन में चलते रहते हैं तब तक हमारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस है। युवा बोलते हैं, वो स्टार कहाँ है। दासनी बोलते हैं, वो है आदर्श को कंट्रीब्यूट करना। युवा बोलते हैं, हाँ, आदर्श को कंट्रीब्यूट करना। दासनी बोलते हैं, चाहे आप किस मोमेंट में जीते हो या फिर आपको कोई पसंद ना करे, तब तक आप मैं आदर्श को कंट्रीब्यूट करता हूँ कि गाइडिंग स्टार को नहीं खोते, आप अपना रास्ता नहीं खोगे और आप जो चाहे कर सकते हो, चाहे आपको पसंद किया जाए या नहीं, आप उससे कोई फ़र्क पड़ने नहीं देते और फ्री रहते हो। युवा बोलते हैं, अगर मेरे ऊपर आदर्श को कंट्रीब्यूट करने का स्टार हाई इन द स्काई हो तो मेरे साथ हमेशा हैप्पीनेस और कॉमरेड्स होंगे। दासनी बोलते हैं, तो चलो एक आर्नेस्ट में यहाँ और अभी के मोमेंट्स में डांस करते हैं और आर्नेस्ट में जीते हैं। पास्ट को मत देखो और फ्यूचर को मत देखो, एक एक कंप्लीट मोमेंट को डांस की तरह जियो।
आपको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है और आपके लिए डेस्टिनेशन का कोई काम नहीं है। जब तक आप डांस कर रहे हो आप कहीं पहुंच जाओगे। युवा बोलते हैं एक कहीं जो किसी और को नहीं पता। दासनी बोलते हैं ये एनर्जियल ज़िंदगी का नेचर है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी को अब तक देख लूँ तो चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मुझे कभी भी एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा कि मैं यहाँ और अभी क्यों हूँ। हालांकि एक टाइम पर ग्रीक फिलोसफी का पढ़ना मेरा फोकस था पर जल्दी मैं उसके साथ एडलेरियन साइकोलॉजी का भी पढ़ना शुरू कर दिया और आज मैं यहाँ हूँ आपके साथ मेरे इररिप्लेसेबल फ्रेंड गहरी बातचीत में। यह मोमेंट्स को डांस करने के रिजल्ट है और यही एक तरीका है इससे एक्सप्लेन करने का। जब आप यहाँ और अभी को ऑनेस्ट में और फुल में डांस करते हो तो आपकी ज़िंदगी का मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। युवा पूछते हैं होगा मैं आपको मानता हूँ। दासनी बोलते हैं हाँ प्लीज़ मानो। एडलर के विचार के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हुए मैंने कुछ नोटिस किया। युवा पूछते हैं और वो क्या है। दासनी बोलते हैं वो यह है कि इंसान का पावर बहुत बड़ा है या फिर मेरे पावर इमेजरेबली बड़ा है। युवा पूछते हैं आप कहना क्या चाहते हैं। दासनी बोलते हैं अरे दूसरे शब्दों में अगर मैं बदल जाता हूँ तो दुनिया भी बदल जाती है। ये कहता है कि दुनिया को सिर्फ मैं ही बदल सकता हूँ और मुझे कोई नहीं बदलेगा। एडलेरियन साइकोलॉजी से जानने के बाद जो दुनिया मुझे दिखती है वो दुनिया नहीं है जो मैंने पहले जानी थी। युवा पूछते हैं अगर मैं बदल जाता हूँ तो दुनिया भी बदल जाती है और कोई और नहीं है जो मेरे लिए दुनिया बदलेगी। दासनी बोलता है ये उस शौक जैसा है जो किसी को होता है जो कई सालों तक नियर साइटेड रहने के बाद पहली बार ग्लासेस पहनता है। पहले से अनक्लियर आउटलाइंस ऑफ द वर्ल्ड क्लियर हो जाते हैं और कलर्स भी ज़्यादा विविड हो जाते हैं और इसके साथ सिर्फ एक पार्ट ऑफ वन्स विजुअल फील्ड ही क्लियर नहीं हो जाता बल्कि पूरा विजिबल वर्ल्ड होता है। मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ कि आप कितने खुश होंगे अगर आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस हो तो। युवा बोलते हैं अगर मैं जानता हूँ काश मैंने ये 10 साल पहले जान लिया होता या फिर 5 साल पहले। अगर मैंने 5 साल पहले जान लिया होता जॉब लेने से पहले तो। युवा कुछ बोलने का प्रयास करता है लेकिन दार्शनिक उन्हें टोक कर बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है। आप कहते हो कि आपको ये 10 साल पहले जानना चाहिए था। ये इसीलिए है क्योंकि एडलर के विचार आपके साथ अब रेजोनेट करते हैं कि आप ऐसा सोच रहे हो। कोई ये नहीं जानता कि आपको ये 10 साल पहले कैसा लगा होता। ये बातचीत वो थी जो आपको अब सुनने की ज़रूरत थी। युवा बोलता है हाँ ज़रूर। दासनी बोलते हैं एक बार फिर मैं आपको एडलर के शब्द देता हूँ। किसी को तो शुरू करना पड़ेगा दूसरे लोग कोऑपरेटिव नहीं हो सकते। मेरा एडवाइस ये है कि आप शुरू करो बिना किसी रिगार्ड के कि दूसरे कोऑपरेटिव है या नहीं। युवा बोलता है मैं अभी तक ये नहीं बता सकता कि ये मैं हूँ जो बदला है या ये दुनिया है जो मैं उस विंटेज पॉइंट से देख सकता हूँ जो बदली है। पर एक बात है जो मैं कन्विंस के साथ कह सकता हूँ यहाँ और अभी ब्राइट हो रहा है। हाँ इतना ब्राइट है कि मैं कल का कुछ भी नहीं देख सकता। दासनी बोलते हैं मुझे लगता है कि आपने पानी पी लिया है तो यंग फ्रेंड जो आगे चलता है क्या हम साथ चले। युवा बोलते हैं मैं भी आपको मानता हूँ हाँ चलो साथ में चलते हैं और आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दासनी बोलते हैं आपका भी थैंक यू। युवा बोलते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा अगर कभी मैं आपके यहाँ पर आऊँ। हाँ एक इररिप्लेसेबल फ्रेंड के रूप में और मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि आपके आर्गुमेंट्स को कैसे तोड़ूं। दासनिक थोड़ा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं आखिर आपने मुझे एक यंग पर्सन का स्माइल दिखाई दिया। अच्छा बहुत लेट हो गए हैं चलो अपनी अपनी रातें गुजारते हैं और नया सुबह का स्वागत करते हैं। युवा ने धीरे धीरे अपने सूलेसेस बांधे और दार्शनिक के घर से निकाल गए। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा एक स्नोई सीन उसके सामने फैला हुआ था। फुल मून जिसका फ्लोइंग फॉर्म ऑब्सक्योर था उसके फीट का स्विमरिंग विडनेस को इल्यूमिनेट कर रहा था वो क्लियर एयर का डैजलिंग लाइट। मैं इस फ्रेश शो पर चलूँगा और अपना पहला स्टेप लूँगा।
युवा ने गहरी सांस ली और एम्पैथेटिकली बोला, दुनिया सिंपल है और जिंदगी भी। तो खत्म होता है पार्ट 5 और उसके साथ ही खत्म होता है पूरा का पूरा बुक। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।